हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में एंड अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर गुड मॉर्निंग सुषमा स्नेहा पूनम अनमोल श्रेयांश सचिन प्रियंका सुबोध गुड मॉर्निंग डिम्पल उमेश प्रियांशु प्रियंका शरद नेकवर्ण रघु सभी के लिए गुड मॉर्निंग कनिका चलिए सो so, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अभी हमने जस्ट शुरू किया है दोस्तों आपका मिडाइवल हिस्ट्री ठीक है मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसे हमने समझना शुरू किया जो सतीश चंद्रा वाली बुक है इससे और यहां पर कल हमने बात की थी सतीश चंद्रा ठीक है पार्ट वन कल हमारा था सतीश चंद्र वाली जो ये बुक है इसका कल क्लास वन था आज आपका क्लास टू है कल हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि आखिर जो मध्यकाल है उस वक्त में भारत और उसके जो बाहरी देश है उसमें क्या चल रहा था कैसे घटनाक्रम थे उस वक्त अफ्रीका में क्या चल रहा था उस वक्त यूरोप में क्या चल रहा था और जब हमने कंपैरिजन की बात की थी कि आखिर भारत का जो सामंतवाद है या यूरोप में जो फ्यूडलिज्म आया वो भारत से किस तरह से भिन्न था और मैंने आप सभी का क्वेश्चन भी दिया था काफी बच्चों ने लिखने की कोशिश भी की है ना आप सभी की कोशिशें बहुत अच्छी थी लेकिन एक जो पार्ट मिसिंग था जो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी एक पार्ट जो आपका मिसिंग था कि आपने आधे क्वेश्चन का तो आंसर दिया आधे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया उस पर आज मैं डिस्कशन करूंगी आपके साथ सो so दोस्तों इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल है हैकेडमी पर तो जो भी बच्चे प्लस एंड आइकोनिक के कोर्स परचेस करना चाहे दोस्तों आप कर सकते हैं जुड़ सकते हैं हमारे इन आ, प्रोग्राम से तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है तो जो हमारे टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा आपको कैसे आपको स्टडी करना है कैसे क्या आपका एक्सपर्ट गाइडलाइंस है ठीक है वर्कशॉप्स है बाय वीकली रिव्यूज आपको दिए जाते हैं तो प्रॉपर आपको जो गाइडेंस है वह आइकॉनिक में मिलती है जो बच्चे सोचते हैं कि ठीक है भाई एजुकेटर की हर क्लास में गाइडेंस मिल जाती है आवश्यकता नहीं है गाइडेंस की एक्स्ट्रा तो फिर आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं इसमें आपको लाइव क्लासेज वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस ये सारे बेनिफिट्स जो हैं है वह मिलते हैं और भाई आइकॉनिक में जैसे टेस्ट एनालिसिस है ये सारे बेनिफिट्स इसके मिल जाते हैं आपको स्टडी प्लानर है कस्टमाइज स्टडी प्लानर तो बच्चों जो फी है ट्वेल्व मंथ का मैं बता देती हूँ मोस्टली बच्चे वन ईयर का ही पूछते हैं तो फोर्टी नाइन थाउजेंड है बट आफ्टर डिस्काउंट फोर्टी फोर डिस्काउंट कैसे मिलेगा मंजू वन जीरो वन कोड इसका यूज करना है आपको और आपको टेन परसेंट का जो डिस्काउंट है वह मिल जाएगा तो आपकी फी फोर्टी हो जाएगी तो बच्चों अभी आपका यूपीएससी का प्रिलिम्स हुआ ट्वेंटी तो जो भी फ्रेंड सोच रहे हैं कि 2022 में आपको तैयारी शुरू करनी है तो यही आपके लिए समय, सही समय है दोस्तों क्योंकि एटलीस्ट आपको अगर प्लेम्स क्लियर करना है तो इतना ज्यादा आपका जो सिलेबस है वो इतना इतना ज्यादा विस्तार इतना ज्यादा बल्कि सिलेबस है कि आप उसको छः महीने चार महीने में उस पर कवर अप नहीं कर सकते आपके लिए एक लंबे समय की जरूरत होती है तो अगर आप अभी से शुरू करेंगे बच्चों देन जाके आप उसको कवर कर पाएंगे जब तक आपका जून में एग्जाम होगा नेक्स्ट 2022 क्लियर

प्रिपेयर करो ऑप्शनल वैसे तो अगर आप सारी चीजें छोड़ के सिर्फ ऑप्शनल करने लग जाओ करंट अफेयर के साथ साथ ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जो कई बच्चे इस दौरान अपनाते भी है तो आप ऑप्शनल सिर्फ कर सकते हैं तो तीन या चार अगर आप तीन या चार महीने भी पढ़ लेंगे ना उसको ठीक से सारा सिलेबस कवर अप करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते कवर हो जाता है आराम से भी तो बच्चों इसका फी आपका है बट आफ्टर डिस्काउंट ट्वेंटी फोर ठीक है कोड यूज कर लीजिएगा मंजू वन जीरो वन साथ ही देखिए हर संडे को तो देखो खुद को आपको टेस्ट जरूर करते रहना है तो अन के द्वारा हर संडे को यूपीएससी कॉम्बेट आयोजन करा कराया जाता है बच्चों ऑनलाइन आप सभी के लिए फ्री है 60 मिनट में 56 सिक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर ऑल्सो अवेलेबल तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आखिर आपसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी आ रही है ठीक है स्कॉलरशिप भी बच्चों इसमें आप जीत सकते हैं साथ ही आपको एनरोल करना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एवरी सन्डे इलेवन एम यह होता है इसमें भी आप इनवाइट कोड में मंजू वन जीरो वन यूज कर सकते हैं साथ ही देखिए हमारे काफी सारे वन और टू ईयर के बैचेज हैं जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री टेस्ट सीरीज भी हैं चले तो एक बार मैं फिर से आपको मध्यकालीन इतिहास हो सकता है कुछ बच्चों ने कल की क्लास ना देखी हो देख लीजिएगा कल से क्लासेस आपकी प्रॉपरली शुरू हो चुकी है बच्चों और इसमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्वेंटी चैप्टर्स है पहला चैप्टर्स भारत और बाहरी दुनिया और इसमें हमने कल की क्लास में जाना था भारत और बाहरी दुनिया में दोस्तों कि आखिर यूरोप अफ्रीका दक्षिण पूर्वी एशिया भारत इन सभी जगह पर चल क्या रहा था और मेन जो हमारा फोकस था वह यूरोप के फ्यूडलिस्ट पर था सामंतवाद पर था ठीक है और जो मेंस का मैंने आपको होमवर्क जो क्वेश्चन दिया वह भी उसी से संबंधित था अब देखो उत्तर भारत तीन साम्राज्य का काल यहाँ पर डिस्कशन कल शुरुआत हो गई थी खत्म आज होगा तो उत्तर भारत तीन साम्राज्य का काल और चोल साम्राज्य ये दो जो चैप्टर है ये हम आज की क्लास में अभी यहाँ करने वाले हैं आर्थिक और सामाजिक जीवन शिक्षा और धार्मिक विश्वास ये आज शाम को आठ बजे होगा तो अभी से लेके जब तक आपका ये मिडाइवल खत्म नहीं हो जाता तब तक आपकी जो क्लासेस है ग्यारह बजे भी है शाम को आठ बजे भी है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लासेस होंगी आपको प्रॉपर दोनों क्लासेस अटेंड करना है नोट्स बनाना है तो आपका बच्चों ये वाला जो किताब है वो कवर हो जाएगा ठीक है तो चाहे मिडाइवल हो मॉडर्न हो छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है बच्चों ठीक है तो ये आपका मध्यकालीन भारत जिन बच्चों के पास ना हो तो चूंकि आपको पढ़ना चाहिए है ना पी से कुछ नहीं होता है तो आपको हार्ट बुक जो है वह ले लेना एक बार आप सभी चलिए आगे देखो आर्थिक और सामाजिक जीवन जो 800 से लेकर 1200 सौ ईस्वी तक कैसे बदलाव रहे उस पर हम आज की क्लास में शाम 8 बजे चर्चा करेंगे संघर्ष का युग कल 11 बजे होगा आपका दिल्ली सल्तनत पार्ट वन पार्ट टू ठीक है ये आपके आ, नेक्स्ट हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक सामाजिक जीवन विजयनगर और पुर्तगालियों का आगमन उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष 1400 से 1525 अब देखो जैसे हम बात करते हैं कि कभी पाल डायनेस्टी आती है फिर उसके बाद उसे रिप्लेस करके कोई और वंश आ जाता है ठीक है राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करके काकतीय वंश आएगा तो ये जो एक डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी आ जाती है उसको रिप्लेस कर देती है हटा देती है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर चौदह से लेकर पंद्रह के बीच में यहाँ पर कौन से डायनेस्टी थी कौन से वंश साम्राज्य थे कौन से प्रसिद्ध राजा थे उनके द्वारा कौन सी जो नीतियाँ हैं कौन सी स्थापत्य बाकी चीजों को प्रोत्साहन दिया बस यही बातें हमें पढ़नी होती है कौन से स्पेशली थे ठीक है अब इस बार जो से क्वेश्चन आया कि क्या किसने सिंधु नदी पार की किसने सिंधु नदी पार नहीं की मतलब नदियों के नदी घाटियों की जब हम बात करेंगे तो कौन किसके अधिकार क्षेत्र में रहा नहीं रहा ये सारी चीजें भारत में सांस्कृतिक विकास तेरह से लेकर पंद्रहवीं सदी तक का उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष ठीक है यहां से 12 से लेके आपका जो मुगल स्टार्ट हुआ है बच्चों ये आपका 20 तक जाता है मूल्यांकन और समीक्षा छोटा सा पाठ है जो हम इनके साथ कवर कर लेंगे तो ये पूरा आपका मुगल कालीन इतिहास होता है कि इसकी शुरुआत कब होती है इसका सुदृढ़ीकरण अकबर करेगा ठीक है उसके बाद दक्कन और दक्षिण भारत में इस वक्त क्या चल रहा था सत्रवीं सदी के पूर्वार्थ का भारत क्या था मुगलों के अधीन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियां इनको हम एक ही साथ कवर कर लेंगे ठीक है मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन एक और दो ठीक है तो ये बहुत ज्यादा विस्तारित क्लासेस में ही करेंगे तो ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स तो कल हमारी बात हुई थी किस पर जो आपका चैप्टर है भारत और, और यहाँ पर मैंने आपको होमवर्क दिया था एक कि आखिर जो आपका यूरोप का सामंतवाद भारत का सामंतवाद है वह किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है और उसी के साथ साथ आखिर जो यूरोप का अधिकार है ठीक है यूरोप का जो हम डार्क एज कहेंगे अंध युग जो कहते हैं आप मध्यकाल को और भारत का जो आ, आ, डार्क एज है उसमें क्या डिफरेंस है मध्यकाल में तो इन दोनों ही बातों में मैंने तुलना करने के लिए आप सभी को दिया था काफी सारे बच्चों ने अच्छी कोशिश की है पर मोस्टली बच्चों ने आधा आंसर लिखा है ये तो बताया कि यूरोप का सामंतवाद क्या है क्योंकि वो आपने क्लास में पढ़ लिया था लेकिन आप ये नहीं बता पाए कि आखिर भारत से जो उसका अंतर है वह क्या है तो कुछ बच्चों का मैं आपको बताती हूँ जिनके आंसर्स अच्छे थे दोस्तों कुछ बच्चों ने काफी अच्छे जो आंसर हैं वह दिए थे और अभी तक का जो सबसे अच्छा आंसर रहा प्रणाली पांडे क्या क्लास में है प्रणाली पांडे के द्वारा बहुत अच्छा जो आंसर है वह दिया गया इन्होंने बताया कि यूरोप में मध्यकाल किस तरीके का था ठीक है और इस दौरान वहाँ पर सामंतवाद का जो उदय होता है और वही अलग से उन्होंने पैराग्राफ देखो आप दोनों तरीके अपना सकते हो कि या तो आप अलग अलग पैराग्राफ लिख के बता दिया फिर आप साथ में सेम जैसे सामंतवाद बताया तो दोनों जगह का सामंतवाद बता दो यूरोप का ये रहा भारत का ये रहा ठीक है तो तुलना तो ऐसे ही की जाती है तो प्रणाली पांडे आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा बहुत साफ सुथरी राइटिंग में दिखा हुआ है मैंने जो टेलीग्राम है आपका उसमें कोट भी क्या है एक बार आप देख लेंगे बच्चों उस आंसर को ठीक है और जो अंतर और सामंजस्य बहुत खूबसूरत आंसर है भई इनका बाकी और भी स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं जैसे कि करण का आंसर भी अच्छा है करण बट आपने भी एक पार्ट लिखा प्रद्युम्न आपका भी आंसर अच्छा था प्रॉपर आपने फ्लो चार्ट भी बनाए सारे चीज़ें ठीक है लेकिन बस वही था कि एक पार्ट जो उसमें नहीं था भारत से कंपैरिजन उसको भी आपको ऐड करना है ठीक है बाकी लक्ष्मी आपने आंसर अच्छा लिखा था बट पूरा एक ही पैराग्राफ में लिख दिया अरे भाई बीच में जगह दो आंसर राइटिंग कैसे करते हैं आपने पैराग्राफ दिए ठीक है पैराग्राफ दो ना कि बिल्कुल सीधा नहीं लिखना है ऐसा नहीं लिखना है एकदम कि बस पढ़े जा रहे हैं चीज़ें समझ में नहीं आ रही यूज़ प्रॉपर आपको फ्लो चार्ट यूज़ करना है पॉइंट्स यूज़ करने हैं ठीक है ठीके? एक इंप्रेसिव आंसर राइटिंग होनी चाहिए पैराग्राफ्स यूज़ करने हैं आप बॉक्स बना सकते हैं आप अंडरलाइन कर सकते हैं तो एक लिखने का जो आपका तरीका है वह थोड़ा सा अच्छा सा इंप्रेसिव बनाओ खूबसूरत बनाओ एग्जामिनर के पास आप नहीं आपकी कॉपी जाती है आपका प्रतिनिधि बनकर बाकी और जो आंसर है आर अरे भाई फुल फॉर्म लिख लिया करो तो कुछ बच्चों के जो आंसर्स हैं वह निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे थे बच्चों चलिए पहली बार अच्छा लक्ष्मी पहली बार लिखा था अब आगे भी लिख रहा जो मैंने आपको चीजें बताई ठीक है उससे आप मतलब उस चीज को आप फॉलो अप कीजिए फिर से लिखो डेफिनेटली पहली दूसरी बार है तो कोई इशू नहीं है मैम इसका पहला पार्ट है नहीं रोहित कल एक क्लास हो चुकी है ठीक है कल एक जो क्लास है वह हो चुकी है गोल्डी कोड है मेरा मंजू वन जीरो वन डिम्पल ने भी लिखा हुआ है तो आप इस कोड से टेन परसेंट का जो डिस्काउंट है आपको मिल जाएगा मंजू एम ए एन जे यू वन ज़ीरो वन ठीक है ये कोड है आप इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी यूपीएससी पी uh, के किसी भी परचेज के लिए किसी भी जो सब्सक्रिप्शन है ना केवल यू पी एस सी मैम कल आठ बजे नहीं प्रिया प्रियांशु कल शाम को आठ बजे क्लास नहीं हुई थी ठीक है स्ट्रीम ही नहीं बन पाई थी बच्चों तो कहाँ से क्लास ले रही थी मैम बस मैं क्लास शुरू कर रही हूँ ठीक है तो यहाँ पर सुनो कि <coughs> मैम आंसर कहाँ सेंड करना अंशु टेलीग्राम चैनल है एन सी विथ मंजू मैम एन सी विथ मंजू मैम टेलीग्राम चैनल पर सभी बच्चे जो हैं है वे अपना आंसर्स भेज सकते हैं अभी भी आपके जो वहाँ पर मैसेजेस हैं वह ओपन है जब तक ये क्लास चलेगी तब तक मैसेज ओपन है आप वहाँ पर गदर मत कीजिएगा ठीक है जो आपके केवल होमवर्क या फिर नोट्स रिलेटेड या क्वेरी रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं केवल वही बच्चों वहाँ पर कीजिएगा ठीक है मैम करंट अफेयर के लिए सभी कॉन्सेप्ट अभिषेक उस तरह की भी क्लासेज आएंगी ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को बाकी बच्चे भी आंसर लिखो जिन्होंने नहीं लिखा ठीक है आज आज भी 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 क्लास में मैं आपको और मेंस के क्वेश्चंस शामिल करेंगे तो चलो कल का होमवर्क एक बार और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं किन किन बच्चों ने ने लिखे किन नहीं लिखे नहीं नहीं लिखा तो आज शाम को बजे तक आप इसको भेजेंगे मध्यकालीन अश्वारोही युद्ध में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण आविष्कारों का उल्लेख और इनके फलस्वरूप युद्ध के तौर तरीके में किस तरह का बदलाव आया तो कल हमारी चर्चा किस बात पर केंद्रित थी कि अगर हम यूरोप के सामंतवाद में देखें तो एक और जो विशेषता थी वह उभर कर सामने आती थी कि जिन्हें कहा जाता था, था, था नाइट यानी कुशल योद्धा ठीक है और वो कुशल युद्ध कैसे हुए कि जब घोड़े को घोड़े पर जब आप चढ़ते हैं बच्चों तो उसमें एक ऐसे का जो रकाब है उसका आविष्कार हुआ इसमें पैर फसा के वो चढ़ जाते थे और अगर उन घोड़ा तेज दौड़ रहा है और साथ में अगर जो उस पर घुड़सवार जो बैठा हुआ है जो सैनिक बैठा हुआ है वह इतना कुशल है कि वह रकाब को पैर में फंसा लेता था तो घोड़े से गिरता नहीं था है ना तो यहां पर ये जो कुछ मुख्य बातें युद्ध का आविष्कार मतलब युद्ध की जो तकनीक है उसमें कैसे इन्होंने एक रण कौशल हासिल कर लिया और इससे सामंतवाद को कैसे बढ़ावा मिला तो ये सारी बातें इसमें आपको लिखनी थी यूरोप के फ्यूडल समाज की विशेषताएं फ्यूडल समाज की विशेषताओं की हमने बात की थी फ्यूडल व्यवस्था में सरकार पर भूस्वामी अभिजात वर्ग का प्रभुत्व क्यों था ठीक है तो ये बातें फ्यूडल समाज की विशेषताओं में हमने देखा था कि भाई इसमें आ, जो पहली विशेषता हम कशीदास की बात करेंगे कशीदास था ठीक है कि जो लॉर्ड यानी जो प्रभु होता था उसका ठीक है इसके खेतों में काम करता था बचे हुए समय में अपने भी खेतों में काम करता था और ये एक लॉज रहता था भाई एक मकान में और ये जो इसका मकान था इसको कहते थे मैनर व्यवस्था तो ये जो मैनर प्रणाली है जो कृषि दास है ये दो दोनों संबंधित थी अब फिर अगली इसकी जो विशेषता थी फ्यूटर समाज की वह इसका सैनिक संगठन ही हुआ करता था ठीक है और देखो जो अभिजात वर्ग था कि आखिर इनका बोलबाला इसलिए था क्योंकि होना हो समाज में बोलबाला किसका रहेगा धनी लोगों का रहेगा है ना तो यहाँ पर बच्चों राजनीतिक और जो बाकी पावर्स थे वह अभिजात वर्ग के हाथ में थे और वो पूरी कोशिश किया करते थे कि ये जो अभिजात वर्ण है ये कैसा चले आपका वंशानुगत चले ये आपका वंशानुगत चले और इसी वजह से कोई और जो है वह इसमें प्रवेश नहीं पाता था अब नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अरबों की उपलब्धियों का वर्णन करें और इस प्रक्रिया में भारत और एशिया के दूसरे देशों ने अरबों को किस प्रकार प्रभावित किया कल मैंने बच्चों ये चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है पीडीएफ मैंने आपसे शेयर की है गूगल पर कई जगह अच्छा एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो मैं ये इस NCRT की बात कर रही हूँ दोस्तों ये आपका ओल्ड एन है हिस्ट्री का न्यू <coughs> है और एक तो ओल्ड एन सी तो हम ओल्ड एनसीआरटी पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छे से एनालिटिकल तरीके से प्राचीन मध्य और आधुनिक जो है वह दिया हुआ है तो आपको मेन्स के लिए भी काफी काम आ जाएगा न्यू तो आपको अवेलेबल है सरकार के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है ठीक है एनसीआरटी का जो वेबसाइट है बच्चों लेकिन ओल्ड एनसीआर जल्दी मिल नहीं रही है और यही कारण है कि मैं आपको एन से डायरेक्ट अभी पेजेस से पढ़ाती थी, थी लेकिन अब मैंने खुद पीपीटी बनवाई हुई है उससे मैं आपको बढ़ा पा रही क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पीडीएफ अवेलेबल ठीक से नहीं मिलती बट हाँ आपको मोबाइल से पढ़ने लायक पीडीएफ मिल जाएगी सबसे अच्छा तो यही होगा कि पी ना सही फ्लिपकार्ट अमेज़न हर जगह पर ये जो किताब है वह अवेलेबल है एक बार इसको अच्छे से रीड करो ठीक है रीड करते जाओ जो बाकी मैं चीजें आपको बता रही हूँ प्रिलिम्स के क्वेश्चंस मेंस के क्वेश्चंस ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट करते जाने कोशिश करो एटलीस्ट लिखने की तो हर एक आ, चैप्टर के बाद से प्रिलिम्स के हो मेंस के क्वेश्चन हो मैं नेक्स्ट डे भी डिस्कस करूंगी ताकि आपका जो रिवीजन है वह भी होता रहे अब चलो नेक्स्ट देखो मार्को पोलो की यात्राओं से किस प्रकार पता चला कि पूर्व मध्यकाल में विश्व के विभिन्न हिस्से एक दूसरे के अधिक निकट आ रहे थे तो यहाँ पर मार्को पोलो का जो वर्णन है इवन जितने भी विदेश यात्री रहे उनके द्वारा क्या क्या वर्णन किया गया आज भी जैसे हम आ, बात करने वाले गुर्जर प्रतिहार है पाल वंश है तब हम देखेंगे कि चाहे अब्दुल रसीब हो फिर बहुत सारे आपके जो विदेशी विवरण है वह मिलते हैं इनके बारे में ठीक है चलो अब हम आते हैं दोस्तों चैप्टर टू पर जिसकी शुरुआत मैंने कल कर दी थी चैप्टर टू में बताया जाता है कि जो उत्तर भारत था और इस उत्तर भारत में इस समय आठवीं से लेकर दसवीं सदी के दौरान तीन साम्राज्यों का यहाँ पर वर्चस्व था और ये तीन साम्राज्य थे पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट ठीक है ये तीन साम्राज्य थे मैम ओल्ड एनसीआरटी अरे बुक किताब ये जो है बच्चों उस पर अवेलेबल है भाई ऑनलाइन अवेलेबल है मंगवा लो इसको ठीक है तो देखो यहाँ पर मैं आपको संस्थापक बता देती हूँ कि जब हम पाल वंश की बात करेंगे कौन था इसका संस्थापक गोपाल था पाल गोपाल ऐसे याद रख लेना ठीक है फिर जब हम प्रतिहार की बात करेंगे तो प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन था राजा भोज था और वैसे कौन था वास्तविक तो ये हो गया वास्तविक संस्थापक तो आपका राजा भोज हो गया फिर बाकी कौन था और राष्ट्रकूट की हम बात करेंगे तो राष्ट्रकूट दोस्तों दंती दुर्ग। ठीक है दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वह की गई और यहाँ पर लास्ट मैंने कल आपको यहाँ पर यह भी बताया था कि आपको मैप देखते जाना है ये रहा आपका पाल वंश जो कि पूर्वी भारत में है ठीक है और यहाँ पर आपका रहा ये जो आपका कौन सा वंश रहा राष्ट्रकूट की बात करते हैं कि जो कि दक्षिण में रहा ठीक है ये आपका राष्ट्रकूट रहा और यहाँ पर ये उत्तर जो ये गंगा की घाटी है दोस्तों और ये दिल्ली वाले जो क्षेत्र पर कब्जा करेंगे वो प्रतिहार है तो राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार ठीक है ये जो तीन अब देखो, इन तीनों की बीच की जो है कि, कि किस राजा ने किससे युद्ध किया कौन राजा किससे हार गया तो इन तमाम बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिडाई मिडाइव इस बार में काफी क्वेश्चन थे दोस्तों अब देखो उत्तर भारत तीन साम्राज्य का काल तो सन सात से लेकर हजार के बीच में उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तिशाली शाली साम्राज्य का उदय हुआ और बस यही सारी चीजें पढ़ना है अब देखो जो समझने के पैराग्राफ्स है जैसे इसमें पैराग्राफ्स बड़े लंदी है बड़े बड़, लंबे लंबे हैं तो वहां पर आपने कुछ मेन जो पॉइंट्स है बच्चों केवल वही याद करने के आपको तिथियां भी याद करनी है आपको क्रम भी याद करना है किसके बाद कौन दो से तीन बार याद करोगे चीजें अपने आप सरल लगने लगेंगी ठीक है तो बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है बच्चों एक बार क्लास को शेयर कीजिए और कंटिन्यू क्लास में बने रहिए साथ ही नोट्स जरूर बनाते रहें ठीक है और जब आप ये क्लासेस कर लेंगे तो जब तक आपकी जो मिडाइवल है

क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में कहाँ से है वो हम थोड़ा सा सर्च करेंगे संडे को चार बजे चलो आगे अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका शुरू करते हैं इसमें से एक था पाल साम्राज्य एक था इसमें पाल साम्राज्य जिसका कि नवी सदी के मध्य तक पूर्वी भारत में बोलबाला रहा पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा की घाटी में दसवीं सदी तक रहा प्रतिहार ठीक है दक्कन में रहे राष्ट्रकूट और समय समय पर ये उत्तर और दक्षिण भारत के प्रदेशों पर अपना जो नियंत्रण है वह स्थापित करते रहे यद्यपि इन तीनों साम्राज्य के बीच में संघर्ष चलता रहा और इनमें से प्रत्येक ने काफी बड़े क्षेत्र को स्थिरता पूर्वक जीवन की परिस्थितियां प्रदान की और साहित्य और कला का भी संरक्षण है वह किया तीनों में सबसे ज्यादा दीर्घायु ये रहा राष्ट्रकूट ठीक है दीर्घायु कौन रहा राष्ट्रकूट रहा और यहां पर कल यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था क्या है इसका आंसर जल्दी से बताइए एक बार पढ़ो और जल्दी से आंसर बताओ इस क्लास इस क्वेश्चन का देखो तो समटाइम्स बीच में जो भी कथन आते हैं किसके किस राजा के बारे में कहे गए या फिर किस वंश के बारे में कहेगा किस साम्राज्य के बारे में कहे या फिर किसने कहे वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वहां से मैं आपको प्रस के क्वेश्चन कराती जाऊंगी और जो आपके कॉन्सेप्ट है वहां से मैं आपको के क्वेश्चन कराती जाऊंगी ठीक है यह ना केवल उस काल का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था बल्कि उसने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्तर और दक्षिण के बीच में सेतु का भी काम किया यह कथन किस साम्राज्य के, साम्राज के संबंध में है सो so डेफिनेटली ये राष्ट्रकूट वंश की जो बात है वह करता है अब चलो एक और प्रश्न है आपके लिए शुरुआत करते हैं यहां से हम अपने चैप्टर की जल्दी से इस प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए निम्न पर विचार करें आपके सामने बच्चों एक लिखा हुआ है कथन कि हर्ष के काल से ही कन्नौज को उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता रहा और इस दृष्टि से उसकी स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसे कि दिल्ली ने बाद में बना ली कारण पाल प्रतिहार एक दूसरे से जूझते रहे क्योंकि इन प्रदेशों के पास भरपूर संसाधन थे और अपनी समृद्ध परंपराएं थी आपको यहां पर बताना है कि कथन और कारण कौन सा सही है सही व्याख्या है नहीं है कौन सा गलत है कौन सा सही है चलिए जल्दी से आंसर कीजिए देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देता है सी लॉक कीजिए मैम एकदम के चल रहा है आपका मैम रात वाली क्लास लाइव करूंगा ग्यारह बजे वाली देखा अरे भाई ठीक है आपका मन है जैसा करना है वैसा कीजिए स्वतंत्र है आप सभी है ना स्वतंत्रता का आर्टिकल कहाँ पर है आपका राइट टू फ्रीडम वेरी गुड सो आप सभी के जो आंसर्स हैं बिल्कुल सही है अंजलि आकांक्षा एंड सुषमा वेरी गुड बिल्कुल सही बात है नहीं है सही बात ऑप्शन नंबर बी कहाँ से सही लग रहा है अच्छा एक बात ये बताओ कि ये दोनों चीज़ें एक जगह ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो स्थान था ठीक है वो स्थान बाद में कन्नौज का हो गया ठीक है ठीक है लेकिन आपको बच्चों ए बी और सी ये कथन कारण वाला जैसे आप मैथ्स में देखते हैं ना कि ए अगर बी है बी अगर सी है तो सी ए हो जाता है अब यहां पर देखो कि ये आपका ए हो गया और बी कह रहा है कि पाल प्रतिहार एक दूसरे से जूझते रहे क्योंकि इन प्रदेशों के पास भरपूर संसाधन और अपनी समृद्ध परंपराएं थी तो ठीक है दिल्ली यहाँ पर कन्नौज की तरह है और पाल प्रतिहार जूझते रहे क्योंकि यहाँ पर संसाधन थे तो ये एक दूसरे की व्याख्या कहाँ कर रहा है ये इंडिपेंडेंट नहीं लग रहा है आपको ये इंडिपेंडेंट है दोस्तों इसमें एक इसमें कैसा कोई कारण बता दीजिए जो इन दोनों को जोड़ दे यहाँ पर संप्रभुता का प्रतीक बनाया लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है तो जिन बच्चों को ऑप्शन नंबर ए लगा वो ज्यादा सही है ठीक है दीपक कांची खुशी ए जो है वह ज्यादा सही है प्रणाली आपका आंसर सबसे अच्छा था कल जो मैंने होमवर्क दिया था ना सबसे अच्छा आंसर लिखा था आपने वेरी गुड राइटिंग भी आपकी बहुत सुंदर है बहुत अच्छे मार्क्स मतलब एक इवन एक पॉजिटिव वो रहता है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखता है तो वो सौ पचास इतनी सड़ी हुई कॉपियां देख लेता है कि उसका दिमाग वैसे ही खराब हो चुका होता है तो एक अच्छी जो सुंदर कॉपी है वो आपको अच्छे मार्क्स दिला देती है ना अच्छा लिखती हैं आप वेरी गुड चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं पाल साम्राज्य पाल साम्राज्य की स्थापना 750 सौ ईस्वी में गोपाल ने की मालूम होता है उस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर वहां के लोगों ने उसे अपना प्रमुख चुन लिया था 770 सौ ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र धर्मपाल राजा बना और धर्मपाल ने 810 सौ ईस्वी तक शासन किया ठीक है तो उनका कौन किसका पुत्र था कौन किसका पिता था कौन किसका प्रपोत्र था यह सारी बातें दोस्तों आपको याद रखनी है तो इवन आपको कुछ बातें जैसे कि क्रम क्रम याद करना है ठीक है आप क्रम किस किस का शासकों का शासकों का क्रम युद्धों का क्रम इंटरेस्टिंग है आपका जो मिडाइवल है ना इंटरेस्टिंग है इंटरेस्ट के साथ पढ़ो एक बार सारी क्लासेस ये जो मैं आपको करा रही हूँ लगभग सत्रह अट्ठारह क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा आपका मिडाइवल एक बार इसको करो नोट्स बनाओ देखना आपको अपने आप सरल लगेगा ठीक है तो यहाँ पर हम इस पाल वंश की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पर भारत के पूर्व में यहां पर स्थित है ठीक है तो इसकी स्थापना कब होती है 750 तो आपको यह भी याद रखना है किस समय में हुई इवन पतन का जो काल है और जो इसका शुरुआत का काल है स्थापना का काल है ये दो चीजें आपको यहां पर याद रखनी होगी ठीक है तो ये बच्चों पाल साम्राज्य का की शुरुआत हो गई अब देखो पहले मैं आपको कुछ मेन जो पॉइंट्स है वह लिखवाती हूँ उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराती हूँ नोट कीजिए तो हम बात करते हैं शासकों की ठीक है शासकों की किसकी पाल साम्राज्य के। पाल साम्राज्य का दोस्तों जो पहला आपका शासक था ठीक है गोपाल आगे इसके लिख लो मेन सारी चीजें हम ट्री टाइप में लिख लेंगे फ्लो चार्ट में ये इसका संस्थापक रहा ठीक है ये क्या रहा संस्थापक रहा और यहीं पर आप 750 सौ ईस्वी डाल लो अब नेक्स्ट देखो कि गोपाल के बाद आया धर्मपाल गोपाल के बाद आया दोस्तों धर्मपाल और जो धर्मपाल है वह सात से लेकर 810 सौ ईस्वी तक रहा ठीक है 770 से लेकर यह 810 सौ ईस्वी तक रहा अब कुछ हम धर्मपाल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वह जानते हैं देखो धर्मपाल जो है इसका युद्ध किससे हुआ धर्मपाल का जो युद्ध है तो राष्ट्रकूट नरेश था एक बड़ा तेज हो रहा था राष्ट्रकूट नरेश जिसका कि नाम था ध्रुव ठीक है तो ध्रुव और धर्मपाल का जो है वह युद्ध होता है ठीक है और जो धर्मपाल है वह इससे पराजित हो जाता है अब नेक्स्ट देखो कि हम प्रतिहार नरेश की बात करेंगे जो कि था नागभट्ट आपको यह भी याद रखना है कि कौन कौन सा नरेश था तो जो नागभट्ट है यह प्रतिहार था तो यहाँ पर आपको संघर्ष देखने को मिल गया कि जो धर्मपाल है ये पाल वंश का है और ये राजकूट और प्रतिहारों से किस तरह से जो संघर्ष है उसमें व्यस्त था उसमें रत था तो यहाँ पर हमने अभी दो राजाओं से दो शासकों से युद्धों की बात कर ली धर्मपाल के अब नेक्स्ट देखो कि इसके बाद गोपाल गोपाल के बाद धर्मपाल और दोस्तों धर्मपाल के बाद जो आता है वो होता है देवपाल 810 ईसवी में आया ठीक है 810 ईसवी में आया और यहां पर देखो देवपाल के द्वारा जिन राज्यों को अपने भाग में मिलाया गया राज्यों को अपने भाग में शामिल किया यहाँ से आपको एक फैक्ट पता चल जाएगा प्राग ज्योतिषपुर आधुनिक नाम क्या है प्राग ज्योतिषपुर का प्राग ज्योतिषपुर कल मैंने आपको बताया था शायद प्राग ज्योतिषपुर का आधुनिक नाम बताओ और उड़ीसा ठीक है तो ये जो थे इसने अपने साम्राज्य में मिला लिए साथ ही ये भी कहा जाता है कि शायद आधुनिक नेपाल तक भी इसके जो हाथ हैं है, वह पहुंचे थे आधुनिक नेपाल तक भी इसके हाथ पहुंचे थे ठीक है तो यहां पर ये देवपाल की बात हो गई जल्दी से बताओ प्राग ज्योतिषपुर आधुनिक अगर हम कहें तो किसका अभी तक किसी का आंसर नहीं आया प्राग ज्योतिषपुर वर्तमान में किसे बोलते हैं एनी वन मैम मोस्टली गर्ल्स की हैंडराइटिंग अच्छी होती है ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता है स्टूडेंट पर सभी स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का लिखते हैं ठीक है ठीके? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे भी दिखे हैं जो कि गर्ल्स नहीं थे बॉयज थे बट राइटिंग उनकी बहुत शानदार थी तो बच्चों वो तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंगारे उड़ीसा हाँ असम बिल्कुल सही यूपीएससी लवर एंड प्रियंका वेरी गुड अंजलि तो यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा आपका असम आएगा उड़ीसा तो नीचे है ठीक है तो यहाँ पर असम जो है ये प्राग ज्योतिषपुर और देवपाल ने यहाँ पर जो अधिकार है अपना पीडीएफ लर्निंग स्टूडेंट पीडीएफ मिलता है एनसीईआरटी विद मंजू मैम टेलीग्राम चैनल में और आप साथ ही आपका यूपीएससी हिंदी टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां पर मैं डेली पीडीएफ राइटिंग जो है वहां पर भेज देती हूँ अब देखो थोड़ी सी बात धर्मपाल की और हो जाए तो धर्मपाल के द्वारा क्या किया गया था धर्मपाल के द्वारा कन्नौज पर अधिकार किया इतने शानदार क्वेश्चन बनेंगे इससे कि आप सॉल्व नहीं कर सकते कन्नौज पर अधिकार बंगाल और बिहार पर अधिकार बंगाल और बिहार पर अधिकार मोस्टली जो बंगाल और बिहार की अगर हम बात करें ना तो ज्यादातर ये जो है वह पाल वंश के द्वारा एक लंबे समय से शासित रहे ठीक है और धर्मपाल के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार कराया गया था तो प्रश्न अगर आ जाए नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है ये किसने नालंदा की स्थापना की थी तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार ठीक है स्थापना मत समझ लेना पुनरुद्धार कराया था तो ये हो गया आपका शासकों का ठीक है क्लियर है तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका गोपाल 750 से था फिर 770 से 810 धर्मपाल आया और 810 में फिर देवपाल आया ठीक है 810 में क्या था फिर देवपाल आया तो ये क्या है आपका जो पाल वंश के शासक थे उनका एक क्रम और कुछ प्रमुख घटनाओं को हमने यहाँ पर समझा अब जल्दी से इसका एक स्क्रीन शॉट एन मंजू मैम टेलीग्राम चैनल में शेयर करो एन विथ मंजू मैम टेलीग्राम चैनल हो गया चलिए आइए कुछ इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने पढ़ी थोड़ा और समझते हैं धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा धर्मपाल कन्नौज पर अपना स्थायी अधिकार स्थापित नहीं कर सका यहां पर बात हो रही है धर्मपाल जो कि सेकंड राजा था गोपाल के बाद ठीक है तो ये देखो अगर प्रश्न आ गया कि ये अपना स्थायी अधिकार क्या कर पाया था नहीं कर पाया था कन्नौज पर जबकि जब, जब द्वितीय नाग भट्ट के शासन काल में प्रतिहार का भाग्य सूर्य भाग्य जो सूर्य है वह चमका तो धर्मपाल को कन्नौज से पीछे हटना पड़ा तो यहां पर जो नागभट्ट के साथ जो कि राजकूट नरेश था अच्छा जो नागभट्ट की हम बात करेंगे ये प्रतिहार था ठीक है नागभट्ट प्रतिहार था ठीक है सही लिखा हुआ है इसमें तो यहाँ पर बच्चों ना, जो नागभट्ट था इससे कहा किसको लेकर युद्ध हुआ था कन्नौज को लेकर युद्ध हुआ था बिहार और आधुनिक पूर्वी यूपी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए पाल और प्रतिहारों के बीच में संघर्ष जो है वह चलता रहा तो देखो अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें और बिहार की बात करें चूंकि ये गंगा घाटी के ऐसे क्षेत्र थे जो कि काफी फर्टाइल काफी उर्वर भूमि थी और इस उर्वरता के कारण यहाँ पर जो कृषि और इसी के साथ ही संसाधन संपन्न भी थे और इसी वजह से संसाधन की संपन्नता किस राज्य को बुरी लगती है है ना लोगों ने की, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र के लिए मालवा तक जाएंगे गुजरात के आसपास सोचेंगे लेकिन बहुत ज्यादा दिल्ली के बारे में नहीं सोचते थे उसके पीछे कारण था कि अब उतनी दूर इनका जो शासन है उतना ज्यादा मजबूत ऐसा नहीं था कि यहाँ की जो व्यवस्था वह दिल्ली से संभाल लेते तो यहाँ पर इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वह बहुतों का कहा था कि चलो वा तो दक्षिण तक नेक्स्ट देखो धर्मपाल का पुत्र देवपाल धर्मपाल के बाद आया देवपाल ठीक है अपने पिता की मृत्यु के बाद 810 में राजा बना और उसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया उसने प्राग ज्योतिषपुर ओडिशा के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और शायद नेपाल भी शामिल था इस प्रकार आठवीं सदी के मध्य से लगभग सौ वर्षो तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा और कुछ समय तक के लिए तो जो वाराणसी है वाराणसी वाराणसी पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था ठीक है चलिए अब अगला प्रश्न है आपके लिए अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन को देखिए मान नामक एक अरब व्यापारी ने नवी सदी के मध्य में भारत की यात्रा की और उसने यात्रा विवरण से रूहमा या धर्म किसे कहा उसने अपने यात्रा विवरण में रूहमा शब्द या धर्म शब्द किसके लिए यूज किया पाल और प्रतिहारों की संयुक्त शक्ति के लिए सिर्फ पाल वंश के लिए प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के लिए प्रतिहार और चोल राज्य के लिए किसके द्वारा ये शब्द जो है वह इस्तेमाल किया गया आंसर कीजिए जल्दी से आज भी काफी मेंस के क्वेश्चंस आपको दूंगी ठीक है दीपा आकांक्षा का रजनीश खुशबू सभी के जो आंसर्स है वह गलत है ठीक है सोफिया पंकज दीपक चलिए आइए मैं सही आंसर बता देती हूँ अरे कोई तो भी बोल दो भाई सिर्फ पाल राज्य को सिर्फ पाल राज्य जो है इन्होंने इनके द्वारा जो धर्म का संरक्षण किया गया इसको लेकर सुलेमान नामक जो अरब व्यापारी था उसने कहा कि ये कैसे है धर्म को संरक्षित करने वाले हैं धर्म की रक्षा करने वाले हैं तो इसलिए इनके द्वारा रोहमा या जो धर्म है वह कहा गया सिर्फ पाल राज्य को तो मिडाइवल में मध्यकाल से तो इसी तरह के जो प्रश्न है वह आते हैं ठीक है चलिए मैम मेन्स के क्वेश्चन मिटाइवल में नहीं आते देख लीजिएगा एक बार पुराने मीन्स के पेपर्स हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगा कहाँ से आते हैं कहावरण से नहीं सुलेमान एक अरब व्यापारी ने नवी सदी के मध्य में भारत के यात्रा की और उसने यात्रा विवरण से पालों की शक्ति की पुष्टि होती है देखो जब हम इतिहास के स्रोतों की बात करते हैं तो इसके बहुत सारे स्रोत है जानने के जैसे कि हम कुछ अभिलेखों की बात करते हैं जैसे चोल वंश की आगे हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर थ्री है स्पेशली आपका चोल साम्राज्य के लिए डेडिकेटेड है तो उसमें यह कहा गया कि चोलों के द्वारा जो मंदिर स्थापत्य कला जो उनके द्वारा काफी द्रविड़ शैली में बहुत सारे मंदिर बनाए गए तो उनकी पर उन्होंने लिखवा है ना? विदेशी विवरण हो अभिलेख हो इन सभी से आपको जानकारी होती है पुराने इतिहास की तो सुलेमान नामक जो अरब व्यापारी है उसने पालों की शक्ति के बारे में लिखा ठीक है जैसे कि हम मेगाज की इंडिका की बात करते हैं किसके बारे में मेगास्थनिच की के इंडिका के वर्णन है साथ ही उसने सेना की विशालता का भी वर्णन किया राजा है, इसने कहा कि राजा जो है वह सामान्य पचास हजार से चलता था और यह भी उसने कहा सेना की विशालता भव्यता को यहां से समझो कि केवल इस सेना में पंद्रह हजार लोग तो सिर्फ कपड़े धोने के लिए थे ठीक है हो सकता है कि यह अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो लेकिन फिर भी सुलेमान नामक अरब व्यापारी के द्वारा यहां पर यह लिखा गया कि कम से कम पचास हाथी लेकर चलता था उसके साथ घोड़े पैदल सेना हाथी सभी थे और यहां पर लगभग पचास आती इनके अनुसार शासकों को देखिए अगर हम पाल शासकों की बात करें तो ये बौद्ध ज्ञान विज्ञान और धर्म के महान संरक्षक हुए पूर्वी दुनिया का विख्यात नालंदा धर्मपाल के द्वारा पुनरुद्धार कराया गया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कि नालंदा के बाद में विश्व विख्यात है ठीक है और यहां पर तो आपको याद रखना है कि पाल वंश के किस साम्राज्य के द्वारा किस धर्म का संरक्षण दिया गया ये इंपॉर्टेंट होता है तो यहाँ पर ये चाहे बौद्ध और शैव को माने ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हम पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ेंगे कोई भी ऐसा कट्टर नहीं होगा कि जिसके द्वारा बौद्ध धर्म का जो विनाश है वह कर दिया जाए सभी ने लगभग संरक्षण किया अब आगे देखो अगला प्रश्न है कि जो आपके पाल साम्राज्य थे उसके संबंध में निम्न कत्व पर विचार कीजिए तो यहाँ पर तीन आपके सामने कथन लिखे हुए हैं पालों ने कई विहारों का निर्माण कराया जिनमें से बहुत से बौद्ध भिक्षु निवास करते थे पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध नहीं था दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार काफ़ी लाभदायक था जिसने पाल साम्राज्य की समृद्धि में अभिवृद्धि की आपको बताना है जो कौन सा कथन है वो सही है चलिए बताइए जल्दी से पाल साम्राज्य के संबंध में तो ये हमारे पाल के बारे में कुछ जानकारियाँ थी अब आगे हम चलेंगे प्रतिहार वंश को लेकर जल्दी से आंसर कीजिए नहीं सतपाल कल शाम को क्लास नहीं हुई थी बट हाँ आज शाम को आठ बजे है ठीक है आज हम आठ से लेके बारहवीं सदी तक का जो आर्थिक सामाजिक इतिहास रहा उसकी हम चर्चा करेंगे मैम सी सही है मोस्टली बच्चों को सी सही लग रहा है बिल्कुल सही आपने फाइंड कर लिया कि यहाँ पर ये यह जो नहीं है वो गलत लिखा हुआ है जबकि पाल शासकों के साथ तिब्बत के साथ ऐसे घरिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे ठीक है तो जो दूसरा है वो गलत है फर्स्ट और थर्ड इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट जो शक्ति थी इस वक्त उत्तर भारत में नवी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक के बीच में और यहाँ पर इस शक्ति का नाम है प्रतिहार ठीक है तो जो प्रतिहार है दोस्तों ये लगभग क्या रहा कि इनका जो है वर्चस्व इनका जो क्षेत्र रहा अधिकार क्षेत्र वो बेसिकली ये जो उत्तरी गंगा घाटी है यहाँ ज्यादा रहा ठीक है कुछ थोड़ा सा पश्चिम तरफ भी रहा और साथ साथ जब युद्ध होते रहे तो इनके द्वारा कुछ क्षेत्र पाल वंश के कुछ राष्ट्रकूट वंश के आच्छादित करते रहे ठीक है तो अब देखो सबसे पहले तो जब हम प्रतिहारों की बात करेंगे तो इन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है और इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहने के पीछे क्या कारण है क्योंकि यहां पर इनका जो उद्भव है वह लगभग कहां से होता है गुर्ज राष्ट्र से होता है और इसके लिए दक्षिण पश्चिम राजस्थान में उनका उद्भव कहां पर हुआ जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान की हम बात करेंगे की इसलिए तो इस हम छोटे सामंत बना देते हैं सरदार बना देते हैं बाद में वो ज्यादा अधिकारवाद होकर राजा को ही हटा देते तो कुछ इस तरह की बातें इनके साथ जुड़ी हुई है कि यहाँ पर ये संभवतः स्थानीय उहदेदार हुआ करते थे लेकिन इन्होंने कई ऐसे काम किए ठीक है अपने कई इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस तरह से ये जो है वह प्रसिद्धि इनने पाई लेकिन जब अरबों के हम अरब अरब के मोसी आक्रमण कहाँ से होते थे आपकी जो पश्चिमी सीमा शी, है है ना और स्पेशली जो हम ये पंजाब गुजरात ये वाला जो भाग कह लें यहाँ से ज्यादा आक्रमण होते थे अरब आक्रमण तो इनको प्रसिद्धि कब मिली प्रतिहारों को प्रसिद्धि तब मिली जब इनके द्वारा जो अरबों का मुकाबला है ठीक है इसको रोका गया और 730 सौ ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासकों ने अरबों को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया तो तब इनकी जो प्रसिद्धि है वह ज्यादा हो गई कि इस तरफ भी कोई शक्ति है जिसे कि प्रतिहार नाम से जाना जाता है अब देखो कि जो प्रारंभिक प्रतिहार है उनके द्वारा किस जगह पर शासन करने की चेष्टा की गई ये बताइए शुरुआत में ऊपरी गंगा की घाटी और मालवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया राष्ट्रकूट राजा ध्रुव और तृतीय गोविंद ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया प्रारंभिक प्रतिहार शासकों के द्वारा चलिए अब कोई बफरिंग नहीं है ओके okay. अभी कोई बफरिंग नहीं है स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू करते हैं ठीक है तो यहां पर ये दोनों ही जो बातें हैं, वह सही लिखी हुई है कि शुरुआत में इन, इनके द्वारा ठीक है प्रारंभिक प्रतिहारों के द्वारा भी क्या गंगा की घाटी और जो मालवा का ये क्षेत्र था इस पर अपना प्रभुत्व कायम करने का प्रयास किया गया था ठीक है लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर राष्ट्रकूट शक्ति थी राष्ट्रकूट शक्ति के राष्ट्रकूटों के जो ध्रुव और तत्तीय गोविंद है कहा जाता है कि ये यह यहाँ के बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे तो राष्ट्रकूट नरेशों के द्वारा इनको यहाँ पर सीमित रखने का जो आ, काम है वह किया गया चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन इनके बारे में आपको लिखवाती हूँ प्रतिहार वंश जैसे कि वहां पर हमने पाल वंश की देखी थी ये प्रतिहार वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम डेट और जो क्रम है वह देखते हैं प्रतिहार वंश ठीक है चलिए तो सबसे फर्स्ट यहाँ के कुछ राजाओं के मैं आपको नाम बताती हूँ राजा ध्रुव तृतीय गोविंद नाम याद रखने हैं आपको कि कौन सा किस वंश का था ठीक है तृतीय गोविंद राजा ध्रुव राजा भोज राजा भोज महेंद्रपाल और महीपाल, महेंद्रपाल और महीपाल ठीक है तो ये कुछ जो प्रमुख है वह इस वंश के राजा थे अब यहां पर कुछ विशेषताएं है देखते हैं जब राजा भोज की बात करेंगे तो ये पाल वंश के वास्तविक संस्थापक थे पाल वंश और इनके द्वारा थे, एट फाइव द्वारा 885, 885 ईस्वी में स्थापना की गई थी प्रतिहार वंश की ठीक है अब यहां पर देखो जब हम महेंद्र की बात करते हैं दोस्तों तो महेंद्रपाल के द्वारा महेंद्रपाल ने ९०८ से लेकर ९०९ सौ ईस्वी तक शासन किया ९०८ से लेकर ९०९ सौ ईस्वी तक महेंद्रपाल के द्वारा शासन किया गया और इसके द्वारा मगध उत्तरी बंगाल मगध उत्तरी बंगाल में जो विस्तार है वह किया गया ठीक है साथ ही इसके द्वारा महेंद्रपाल ने कश्मीर के राजा से भी लड़ाई की कश्मीर के राजा से युद्ध किया लेकिन हार गया और कुछ इसको अपना ही जो भाग है वह इनको देना पड़ा ठीक है और इसके बाद आया महिपाल अब लेकिन यहां पर ये यह जो आपको राजा भोज का पुत्र था महेंद्रपाल यहां पर मैं आपको ये बताती हूँ दोस्तों कि आखिर इनका जो अंत है वह कब हुआ ठीक है तो देखो यहां पर तृतीय गोविंद है मैं एक और तृतीय का नाम लिख रही हूं जिसका कि नाम है तृतीय इंद्र तृतीय इंद्र के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया तृतीय इंद्र के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया और यहां से प्रतिहार वंश का अंत हो जाता है ठीक है यहां पे प्रतिहार वंश का अंत हो जाता है तो यहां पर कुछ प्रमुख राजाओं और घटनाक्रमों के बारे में अगली स्लाइड्स में हम जानकारियां जो है वह देखते हैं ठीक है और यह तृतीय इंद्र आपको याद रखना है यह राष्ट्रकूट वंश का था किस वंश का था यह राष्ट्रकूट वंश का था राष्ट्रकूट वंश का था तो अंत किसके द्वारा किया गया ठीक है जब राजधानी पर ही हमला इसने कर दिया उसे अपने कब्जे में ले लिया तो यहां से इसका जो अंत है वह शुरू हो गया अब चलो शुरू करते हैं प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था राजा भोज यह निश्चित है कि उसने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण देखो वैसे इसके बारे में बहुत ज्यादा जो तिथियां है जैसे किसी के बारे में तिथियां अवेलेबल नहीं है राजा भोज भी उन्हीं में से शामिल है कि कब ये सिंहासन रूढ़ हुए कब इनके द्वारा स्थापना की गई इसके कोई वर्णन जो है बहुत ज्यादा नहीं मिलते बट हाँ ये निश्चित है कि आठ सौ ईस्वी के आसपास इसने कन्नौज पर फिर से कब्जा किया और एक सदी तक ये प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रहा तो कैपिटल जो है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी वंश की तो यहाँ पर हमने जब प्रतिहारों की बात की तो प्रतिहारों की राजधानी क्या कन्नौज प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज बाद में जो आपका राष्ट्रकूट नरेश था

प्रतिहारों प्रतिहारों को पर की चर्चा कर रहे हैं ठीक है और वही जब जाता है ये दक्षिण भारत की तरफ दक्कन की तरफ तो यहाँ पर राष्ट्रकूट बैठे हुए थे तो राष्ट्रकूटों के द्वारा इस पर जो अंकुश इसकी महत्वाकांक्षा पर अंकुश है वह लगाया गया ठीक है नेक्स्ट है नर्मदा के तट पर कोई, कोई लड़ाई के फलस्वरूप हुई लड़ाई के फलस्वरूप राजा भोज मालवा के काफी बड़े हिस्से और गुजरात के कुछ इलाके पर अपना अधिकार कायम रख सका एक अभिलेख के अनुसार उसके राज्य प्रदेश सतलज नदी के पूर्वी किनारों पर थे अब देखो इस बार बड़ा पूर्वी और जो पश्चिमी है नदियों का किनारा वह काफी पूछा गया कि कौन सा राजा इस नदी के पूर्वी या पश्चिमी किनारे तक गया तो यहाँ पर पूर्वी किनारे तक सतलज का जो पूर्वी किनारा है उस तक एक अभिलेख के अनुसार जो प्रतिहार साम्राज्य है वह फैला हुआ था अगले प्रश्न का आंसर दीजिए देखो बीच बीच में ये जो प्रश्न है दोस्तों ये एक एक पैराग्राफ आपको कंप्लीट करा रहे हैं ये जो आपके प्रश्न है एक एक ये आपको पूरा पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करा रहे हैं आंसर कीजिए जल्दी से इसका अरब यात्रियों के वृत्तांतों से मालूम होता है कि प्रतिहारों के पास भारत में सबसे अच्छी अश्वारोही सेना थी उन दिनों मध्य एशिया और अरब देशों से घोड़ों का आयात भारतीय व्यापार का महत्वपूर्ण अंग था देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल साम्राज्य कमजोर होने पर राजा भोज पूर्व की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार कर सका कौन सा कथन सत्य है अरब यात्रियों के भाई अभी से पटाके चलने लगे यहां पर तो चलिए खैर आंसर बताइए जल्दी से अच्छा मोस्टली ऐसे क्वेश्चन इस बार आया था हाँ सोनी बिल्कुल सही इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ओके सो वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है तो यहाँ पर देखो अरब यात्रियों के जो वृत्तांत है इससे पता चलता है कि जो पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटो तीनों शासकों तीन जो राजवंश थे उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी सेना थी अश्वरोही सेना वह किसके पास थी अब देखो यहाँ पर अपने प्रॉपर घोड़े तो थे नहीं घोड़े तो भाई अरब के फेमस थे और अरब देशों से जो घोड़े हैं उनका आयात किया जाता था लेकिन जब देवपाल की मृत्यु हो जाती है ठीक है तो यहां से जो व्यापार हो रहा था अरबों के साथ वो भी कमजोर पड़ जाता है और इसके बाद जो राजा भोज है ठीक है राजा भोज जो है वह पूर्व की ओर अपने साम्राज्य को फैला पाता है प्रतिहार साम्राज्यों का साम्राज्य के राजाओं को पहले से बाद के क्रम में चुने पहले से बाद के क्रम में चुने अच्छा आप सभी को वॉइस कैसे आ सकती है भाई बम फूटने की हमको ही आने चाहिए है क्या किसी भी तरह का नॉइस तो नहीं है ना वॉइस में चलिए अरे कुछ लोगों की प्री दिवाली अभी से सेलिब्रेट हो रही है भाई इसलिए आवाजें आ रही है बाहर से चलिए खैर मैम मैम की मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की क्लास कब होती है अनिशा अभी वो क्लासेस मैं मिटाइवल के बाद कंटिन्यू करूंगी उसको ख़त्म कर दूंगी आपके कुछ लेक्चर्स ही रह गए हैं ज़्यादा नहीं कुछ लेक्चर्स रह गए तो पूरा कंपाइल कर दूंगी मैं आपका स्पेक्ट्रम ठीक है तो वहां से स्पेक्ट्रम कर लो छः सात आठ की आपकी हिस्ट्री के एन अवेलेबल है आरोहण के एक से लेकर तीस तक के लेक्चर्स है तो वहां से हिस्ट्री वहां पर कवर कर लो तो कोशिश करो कि जो आपके मेन मेन सब्जेक्ट है ना उसे कवर करते जाओ प्रतिहार साम्राज्यों का सबसे पहले पहले भोजपाल था देवपाल था महेंद्रपाल था याद आया क्रम नहीं आया कि यहाँ पर ही कंफ्यूज हो गए ठीक है क्या था भोजपाल महेंद्रपाल है ना महेंद्रपाल और देवपाल इनके बीच में आप जरा बताइए जल्दी से राजा भोज महेंद्र और महिपाल लिखा हुआ है यहां पर चलिए खैर सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखो कौन सा शासक अपने सिक्कों पर आदि वराह शब्द अंकित किया किस राजा के द्वारा आदि वराह की उपाधि भी धारण की गई और उसके सिक्कों पर भी जो अंकन मिलता है इस शब्द का आदि वराह शब्द का राजा भोज महेंद्रपाल धर्मपाल या फिर दंती दुर्ग दंती दुर्ग तो देखो आपका जो राष्ट्रकूट वंश है इसका संस्थापक था दंती दुर्ग है ना राष्ट्रकूट वंश का ये बच्चों संस्थापक था और यहां पर आपका आंसर है राजा भोज के द्वारा आदि वराह शब्द को अंकित कराया गया अपने सिक्कों पर अब देखो हम राजा राजा भोज के बारे में जैसे कोई प्रतापी राजा किसी साम्राज्य का है तो हमें बेसिकली उसके जीवन काल की घटनाएं ज्यादा पढ़नी होती हैं इसमें तो यहां पर हम भोज की बात करते हैं ये विष्णु का भक्त था और उसने आदि वराह की उपाधि धारण की कुछ सिक्कों पर भी इस शब्द को अंकित कराया उज्जैन के भोज परमार्श देखो उज्जैन में भी एक

ठीक है और उनके अभिलेख काठिया पूर्वी पंजाब और अवध में मिले ये बताओ कि कोई दूसरा राजा अपने राज्य में किसी के अभिलेख बनवाने देगा तो यहां पर यह माना जाता है कि अगर अभिलेख मिले इनका शासन यहाँ पर रहा होगा अब महेंद्र पाल ने एक लड़ाई कश्मीर के राजा के खिलाफ भी लड़ी ठीक है लेकिन उसने भोज के द्वारा पंजाब में जीते गए कुछ क्षेत्र कश्मीर के राजा को सौंपने पड़े तो महेंद्र पाल ने कश्मीर के राजा से लड़ने के लिए चला गया और वहां पर जब ये हारा तो जब इसके जो भोज की हम बात करेंगे जो कि इसके पिता थे तो भोज के द्वारा पंजाब ने जो क्षेत्र पंजाब के कुछ क्षेत्र जीते हुए थे वो इसे कश्मीर के राजा को क्षतिपूर्ति के रूप में सौंप दिए नवी सदी के प्रथम चतुर्थांश अब देखो नवी सदी के प्रथम चतुर्थांश बात किसकी हो रही है अब दोस्तों ये बात हो रही है 801 से लेके 825 तक प्रथम चतुर्थांश या फिर अगर द्वितीय चतुर्थांश आता है ठीक है या फिर तृतीय आता है तो थोड़ा सा आपको देखना है कि ये पहला जो ये अंतिम लिखा हुआ है या प्रथम लिखा हुआ है से लेकर दसवीं सदी के मध्य तक लगभग सौ सालों की अवधि तक उत्तर भारत में प्रतिहारों का जो दबदबा है वह कायम रहा अब देखो यहाँ पर था एक बगदाद निवासी अलमसूदी ठीक है कहाँ का था यह अल मसूदी बगदाद निवासी था तो बगदाद निवासी अल बगदाद निवासी अल मसूदी ने 915 सौ पंद्रह सोलह ईस्वी में गुजरात की यात्रा की और उसने उसके विवरण से प्रतिहार शासकों की शक्ति मान प्रतिष्ठा और उसके जो साम्राज्य हैं इसकी पुष्टि होती है उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अलजर्जर कहा अब देखो अलजर्जर नाम मिलता है कि किसके द्वारा अलजर्जर शब्द का यूज किया गया ये वर्ड यूज किया प्रतिहार साम्राज्य के लिए वर्ड यूज किया अलमसूदी ने अलमसूदी ने अलजर्जर शब्द जो है वे प्रतिहार वंश को बताने के लिए गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए इस शब्द का यूज किया अब देखो यहां पर राजा की जो सेनाएं हैं वह अब थोड़ी सी हम सेना की बात करते हैं कि कैसे उसने डिवीज़न किया था भागा भागों में बांटा था तो राजा की सेना को उसने कई डिवीज़न में बांटा था हर एक डिवीज़न पर अपना नियंत्रण रखने के लिए उसने कई सेनापति और साहब नियुक्त किए थे और यहाँ पर बच्चों इसको कहा जाता था चमुए ठीक है क्या कहा जाता था चमुए चमुए कहा जाता था ये सेना का डिवीजन था क्या था सेना का डिवीजन था सेना का डिवीज़न था आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट है ठीक है सात लगभग एक चमुह में लगभग छह सात लाख लोग रहते थे और अश्वारोही सेना इनकी काफी सर्वश्रेष्ठ थी प्रतिहारों की क्लियर अब देखो कुछ अन्य उपलब्धियों की हम बात करते हैं अन्य उपलब्धियों में जैसे कि इन्होंने कला साहित्य में क्या किया इन्होंने शैली में स्थापत्य शैली में अपना क्या योगदान दिया किसी और अगर तकनीक प्रौद्योगिकी का विकास किया है तो वो क्या था तो देखो प्रतिहार शासकों के द्वारा ज्ञान विज्ञान के साहित्य के ये बड़े उदार संरक्षक थे इन्होंने संस्कृत के महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पौत्र महपाल के दरबार में रहता था जो राजशेखर है भोज, किसके भोज के पोत्र, मतलब महिपाल है ना यहाँ पर दोनों का दादा का भी नाम लिखा हुआ है पोते का भी नाम लिखा हुआ है और राजशेखर जो है वह संस्कृत का नाटककार है तो राजशेखर जो है वह महिपाल के दरबार में था प्रतिहारों ने कई भव्य भवन और मंदिरों में कन्न का जो विस्तार है वह किया और इससे कन्नौज का जो रूप है जो इनकी राजधानी हुआ करती थी उसका रूप काफी निखरा 915 से लेकर 18 ईस्वी के बीच में राष्ट्रकूट राजा तृतीय कृष्ण ने फिर कन्नौज पर आक्रमण कर लिया अब देखो यही इनकी पतन का कारण बनेगा अंत कैसे हुआ इसे प्रतिहार साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया और शायद गुजरात राष्ट्रकूटों के हाथ में चला गया क्योंकि अलमसूदी बताते हैं अलमसूदी बताते हैं कि प्रतिहार साम्राज्य की पहुंच समुद्र तक नहीं थी और गुजरात का जो तट है वो तो समुद्र से लगा हुआ है और अगर अलमसूदी ये कहता है कि इनकी जो पहुंच है वह समुद्र तक नहीं थी इसका मतलब वह किसी और के शासनकाल में किसी और के शासन में था समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था और उत्तर भारत का माल यहीं से होकर पश्चिम एशिया तक पहुंचता था नौ ईस्वी में एक अन्य राष्ट्रकूट राजा तृतीय कृष्ण आया था ठीक है राजा तृतीय कृष्ण इसने उत्तर भारत में आक्रमण किया और प्रतिहारों को परास्त कर दिया और यहां पर इसका जो अंत है वह हो गया तो ये था आपका बच्चों प्रतिहार वंश आदित्य मैम मेरे मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है मैं पूछना चाह रहा हूं भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन को लिखने की मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी नहीं अतुल एनसीईआरटी अन्स, को दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है अभी चेंज नहीं हुआ कि फिर से ओल्ड न्यू कोई अपडेटेड कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं आया एनसीईआरटी का कि हम उसको करें ठीक है और इतनी पुरानी नहीं हुई है भाई इतना भी मैं पुरा इतनी पुरानी भी नहीं हूँ कि मैं बहुत समय से पढ़ा रही हूँ कोई दस बीस साल मेरे पुराने जो लेक्चर्स है मैं पढ़े हुए क्या देखोगे नए में आपका जो लेक्चर्स है वह जनवरी के स्टार्टिंग से है ठीक है एक बार मैं लेक्चर्स बता देती हूँ प्रतिहार आपका खत्म हो गया ठीक है अभी हम चलेंगे थोड़ा सा अब राजकोट की तरफ राजकोट फिर हम चोल वंश की बात करेंगे इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जो एन की क्लासेज हैं वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ आई थिंक अभी एक सौ ये आपकी जो एन की क्लास है ये 163 क्लास है अभी उस पर मार्क्स नहीं है मतलब आ, क्लास नंबर नहीं है ये मैं आप उसमें मेंशन करवा दूंगी तो देखो हिस्ट्री अवेलेबल है जनवरी से हिस्ट्री आपका सिक्स सेवन एट यहाँ से कवर करो कोई पुराना नहीं है ये फिर उसके बाद अब लोग इनको नया चाहिए वीडियो में भी उसके बाद बच्चों जोग्राफी आपका हुआ छः से बारह ठीक है आपका पॉलिटी हुआ छः से बारह पॉलिटी का छः से बारह में पूरे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो इस बार 2021 में आए हैं संडे को चार बजे मैं इस पर डिस्कशन भी एक लेकर आऊँगी ताकि आपको एनसीईआरटी मेरी क्लास का इंपॉर्टेंस नहीं आपको एन का इंपॉर्टेंस पता चले क्लास वगैरह तो ठीक है बच्चों किसी की भी करो क्या फ़र्क पड़ता है बट ये है कि आप एन थोड़ा सा ये समझे बच्चों कि एन चाहे सेल्फ स्टडी करो या अगर सेल्फ स्टडी में कभी बोर हो रहे हो तो किसी एजुकेटर की क्लास का आप सारा ले सकते हैं ठीक है ठेके? बाकी मेरी क्लासेस अवेलेबल है या आप डेली कंटिन्यू रख सकते हैं मेरे साथ अपनी स्टडी को तो यहाँ पर हिस्ट्री है जोग्राफी है पॉलिटी है ठीक है ये सब यहाँ पर हो चुका है और हाँ हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम आपका साथ साथ चला है स्पेक्ट्रम जो आपका मॉडर्न है मॉडर्न स्पेक्ट्रम इसके कुछ लेक्चर्स रह गए हैं जो कि मैं आफ्टर इसके करूँगी मिडाइवल के एंड आपको याद रखना है कि अभी आपका प्राचीन भारत हुआ था ओल्ड एन से ओल्ड हिस्ट्री वाली से ये न्यू हुए हैं छः सात आठ के ये न्यू एन हुए हैं ठीक है और ये जो प्राचीन है ये आर एस शर्मा वाली बुक हो चुकी है अवेलेबल है इनको देख लेना और फिर इसके बाद अच्छा कल एक एन सी आर टी विथ मंजू मैम आपका जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों जहाँ पर आप सभी अपने होमवर्क्स वगैरह चेक करा सकते हैं तो यहाँ पर आ, एक स्टूडेंट ने मेरे सारे वीडियो जो अब तक हुए हैं उन सभी वीडियोस का एक बहुत अच्छा उसने प्लेलिस्ट बना रखा है उस बच्चे ने ठीक है और वहाँ पर शेयर भी किया था तो वहाँ से एस के अब पता नहीं बच्चे आपका पूरा नाम क्या है ठीक है तो यहाँ पर एसके के द्वारा एक लिंक शेयर की गई जिस पर कि मेरे पूरे अब तक के जो लगभग 200 सौ वीडियोज अवेलेबल है सारे उसमें सेव है तो जिन बच्चों को ढूंढने में कठिनाई हो रही है तो वो मैंने उसे पिन कर दिया है आपको इजीली मिल जाएगा एनसीआरटी विथ मंजू मैम टेलीग्राम चैनल ठीक है तो वहां से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है मैम एनसीआर नेक्स्ट दो हजार बाईस के पीटी के लिए एन सी आर टी फिर से शुरू करोगे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं आदित्य बिल्स, फिर से शुरू नहीं होगी अब इसके बाद आपका जो सेक्शन मैंने आप पढ़ाया नहीं है अब आपका मेन पोर्शन मैंने करा दिया हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी अब जो मैं शुरू करने वा, वाली हूँ ठीक है खैर मैं उस पर आती हूँ आदित्य आपका आंसर देती हूँ तो प्राचीन अभी चल रहा है आपका मध्य और इसके बाद आपका चलेगा आधुनिक देखो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते रहो भाई बिना स्ट्रैटेजी के कोई फायदा नहीं है और जो 2022 के लिए पढ़ रहे हैं आप सभी के लिए है बच्चों आप सभी के लिए है यही सारी क्लासेस ही आपको पढ़नी है इसके बाद अब जो मैं आपको कराऊंगी अब नेक्स्ट फोर फाइव मंथ ठीक है आई थिंक मैं मार्च के आसपास तक ही क्लास दूंगी या फरवरी उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगी तो फरवरी तक अगर जो जो भी मेरी क्लासेज होंगी उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी तो इसलिए फिर मैं शायद जनवरी फरवरी से आपको मिलूँ ना मिलूँ तो उस वक्त तक बच्चों मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो क्लासेज अवेलेबल होंगी इनके अलावा अब आपका मैं इकोनॉमी शुरू करूँगी अब आपके ऐसे पोर्शंस की अगर सिर्फ आप मेरे सारे वीडियोज़ ही देख लें तो आपको एक पूरा जो सिलेबस है होलसोल भाई आप कवर कर सको तो इकोनॉमी एनवायरमेंट ठीक है साइंस टेक का करंट अफेयर साइंस टेक का पूरा करंट अफेयर वन ईयर का क्योंकि करंट अफेयर कुछ बेसिक तो ये जो तीन चार चीज़ें हैं ठीक है और इसके साथ में मेंस के लिए पेपर फोर मेंस के लिए बच्चों पेपर फोर कराने वाली हूं और आपका सेकेंड ईयर तो ये इसके बाद मेरा काम रहेगा और अगर आपकी जनवरी दिसंबर तक नेक्स्ट इंडिया ईयर बुक आ जाती है चूंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने चार पांच साल में इस साल इंडिया ईयर बुक नहीं पढ़ाई तो अब अगर दिसंबर तक आ जाएगी तो इंडिया ईयर बुक इतना पढ़ लो और इतना साल भर पढ़ लोगे पीटी आराम से क्लियर होगा ठीक है अब ध्यान रखना बच्चों एनसीआर के बाद आपको करना क्या है लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत पढ़ना है ठीक है वर्णवाल पढ़ लेना जोग्राफी का लक्ष्मी का हो तो गया वर्णवाल हो गया और जो मैं इकोनॉमी में आपको बेसिक कराऊंगी एन इकोनॉमी का एन ठीक है और इसके साथ साथ बजट और सर्वे भी करा दूंगी विस्तार से बजट बजट प्लस आपका सर्वे ठीक है बजट प्लस सर्वे बच्चों और इंडिया ईयरबुक इंडिया ईयरबुक से भी इस बार क्वेश्चन थे ये आपके जो सर्वे टाइप के थे ठीक है और इंडिया ईयरबुक आपका क्लियर है तो ये इतना तो आपको प्रिलिम्स, के लिए। प्रिलिम्स दो महीने में तीन महीने में नहीं निकलता जो आप पहले से पढ़ चुके हो रिवीजन कर रहे हो वो रिवीजन का समय है आपका दो तीन महीने में प्रिलिम्स नहीं निकलता यूपीएससी का क्यों नहीं निकलता क्यों नहीं निकलता इसलिए नहीं निकलता बच्चों क्योंकि आपको ये सारी चीजें हजम करने के लिए एक लंबा समय चाहिए दो हजार में दे रहे पता है मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमने पढ़ा कुछ नहीं होता और हम सोचते हैं हम एक महीने में सब कुछ कर लेंगे हम दो महीने में सब कुछ कर लेंगे और हम प्रिलिम्स निकाल लेंगे ऐसा नहीं होता आपको समय देना होता है ख़ुद को तो मैं शुरुआत के भी आपको स्ट्रैटेजी बता दूँ जो बच्चे शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी तरीका यही है जो पहले कर चुके हैं उनके लिए भी तरीका यही है ठीक है सभी के लिए तरीका यही है बच्चों कंटिन्यू करते हैं बच्चों तो आप सभी को आई होप जो नेक्स्ट 2022 के लिए स्ट्रेटेजी है वो समझ में आ गई होगी ठीक है तो यही करना है आप सभी को बच्चों चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम तो अब तक हमारा पाल प्रतिहार जो है वह कंप्लीट हो चुका है ठीक है अब हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की और राष्ट्रकूट के बाद जो चोला साम्राज्य है उसकी हम चर्चा करेंगे राष्ट्रकूट साम्राज्य यदि उत्तर भारत पर पाल और प्रतिहारों का शासन था तो दक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश राज्य कर रहा था ठीक है तो यहाँ पर देखो ये समकालीन थे कि यहाँ पर हम पूर्व में बात करेंगे पाल वंश की उत्तर में हम बात करेंगे प्रतिहारों की और जिस वक्त तक ये उत्तर और पूर्व में थे वहाँ पर दक्कन में जो था वो राष्ट्रकूट था आपको यहाँ पर ये जो सीमा क्षेत्र दिख रहा है ठीक है ये सीमा क्षेत्र किसका है राष्ट्रकूट वंश का है राष्ट्रकूट वंश की जब हम बात करेंगे इसका संस्थापक कौन था दंती था ठीक है इसका संस्थापक था दंती का संस्थापक था बच्चों दंती दुर्ग। इस राजवंश ने दक्कन को एक एक के बाद अनेक वीर इस मालखेड़ इसको अपनी कैपिटल बनाया तो वंश की राजधानी प्रतिहार वंश की राजधानी और आपकी राजकूट वंश की राजधानी तीनों राजधानियों को आपको याद रखना है राजकूटों ने शीघ्र ही उत्तर महाराष्ट्र के पूरे क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया गुजरात और मालवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रतिहारों से लोहा लिया और उनके हमलों के फलस्वरूप गंगा घाटी पर राष्ट्रकूट का जो अधिकार है वह नहीं हो पाया तो गंगा घाटी का जो क्षेत्र है इस पर अधिकार करना चाह रहे थे लेकिन चूंकि यहाँ पर जो प्रतिहार वंश थे उसकी वजह से इनका अधिकार यहाँ पर नहीं हो पाया ठीक है अब देखिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अभी की बात बच्चों आप सभी को समझ में आई मैम आंसर राइटिंग कैसे चेक कराए अतुल एन सी आर टी विथ मंजू मैम कल भी आपके आंसर चेक हुए थे ठीक है अभी भी एन सी आर टी विथ मंजू मैम जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसके मैसेजेस ओपन है वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं अपने आंसर्स वहाँ पे मैं चेक करती हूँ ठीक है तो अभी जो मैंने स्ट्रेटी आप सभी को बताई आई होप आपको समझ में आई होगी उसको फॉलो कीजिए ठीक है बाकी अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ मेरा जो तरीका एक था बच्चों वो मैंने आप सभी को बता दिया कि आपको शुरुआत कैसे करनी है खत्म कैसे करना है चीजों को चलिए तो पहले मैं राजकूट वंश के बारे में कुछ आपको थोड़ी सी जो डिटेल्स है वह हम लिखते हैं उसके बाद फिर हम आगे कवर करेंगे राजकूट वंश स्थापना दंती दुर्ग स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई और राजधानी इनकी क्या थी आधुनिक शोलापुर या फिर हम कहें यहां पर मालखेड़ या मानखेड़ ठीक है तो मानखेड़ जो नाम है ये कई जगह पर मिलता है मानखेड़ या फिर मालखेड़ ठीक है अब नेक्स्ट देखो कुछ और भी यहाँ के राजा थे जिनके हम नाम जानते हैं गोविंद ततीय गोविंद ततीय जो कि 793 नाइन सात सौ से लेके 814 सौ ईस्वी तक था सात सौ से 814 सौ ईस्वी तक था गोविंद ततीय और गोविंद ततीय के बाद आया अमोघ वर्ष काफ़ी प्रतापी राजा था अमोग वर्ष ठीक है और ये दोस्तों 814 से लेके 878 ईसा तक ईसवी इस तक इसने शासन किया ठीक है अब फिर अमोग वर्ष के बाद आता है अमोग वर्ष के बाद आता है इसका पोत्र पोता तृतीय इंद्र पुत्र नहीं था पोता था इसका ठीक है तृतीय इंद्र और यहाँ पर 915 से लेकर इसने नौ ईसवी इस ईस्वी तक शासन किया और कहा जाता है कि अंतिम प्रतापी राजा था यहाँ पर कृष्ण तृतीय और उसके बाद कृष्ण तृतीय के बाद इस वंश का पतन हो जाता है ठीक है प्रश्न तृतीय यहाँ का अंतिम जो शासक है वह था 934 से लेके 996 सौ ईस्वी तक 934 से लेके बच्चों 996 सौ ईस्वी तक ये रहा और जब हम इनके अंत की बात करेंगे तो अंत में याद रखो कि 972 में नौ के आसपास नौ के आसपास जो वेंगी के चालुक्य थे वेंगी के चालुक्यों को पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता था ठीक है वेंगी के पूर्व चालुक्यों के द्वारा इन्होंने क्या किया राजधानी पर हमला किया मान्य खेड़ पर हमला किया और उसको आग लगा दी ठीक है मान्य खेड़ जीता मान्य खेड़ जीतकर इस पर आग लगा दी और बस इस तरह से इनका जो अंत है वह हो गया तो कुछ यहां पर हमने राजाओं की बात की कि दंती दुर्ग था गोविंद तृतीय मोघवर्ष इंद्र कृष्ण तृतीय है कहा जाता है कि अंतिम राजा था ठीक है कृष्ण तृतीय इसके बाद पतन होने लगा था नौ सौ में इसका जो अंत है वह हो गया तो सबकी शुरुआत संस्थापक किसने की क्या राजधानी किस वंश के, के द्वारा हमला किया गया उसके बाद अंत हुआ एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका चलिए अब हम देखते हैं कुछ

केरल के और और चोल राजाओं को को भयभीत कर कर दिया और पल्लवों को भी अमोघ वर्ष अड़सठ वर्षों तक शासन करता रहा लेकिन युद्ध की अपेक्षा इसकी जो रुचि है वह धर्म और साहित्य में ज्यादा थी तो किसकी रुचियां किसमें है तो यहाँ पर हमने अमोघ वर्ष की बात की कि लगभग सत्तर वर्ष इसने शासन किया ठीक है सत्तर वर्ष कितना जिया होगा भाई ये तो यहाँ पर देखो धर्म और साहित्य में इसकी जो रुचि है है वह थोड़ी सी ज्यादा थी अमुक वर्ष के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं कि इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों में इसके समय कई विद्रोह भी हुए अब इसका पौत्र था त्रतेन जो कि 915 से नौ सो ईस्वी तक रहा और साम्राज्य की खोई हुई समृद्धि फिर से वापस आ गई 915 में महिपाल को पराजित करके और कन्नौज पर विजय हासिल करने के बाद ततीय अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आया अल मसूदी देखो अब अल मसूदी यहां पर फिर आ गया अल मसूदी ने क्या क्या कहा यह आपको जानना जरूरी है अल मसूदी कहता है कि राष्ट्रकूट राजा वल्लभ राज राजकूट राजा अब ना कृष्ण तृतीय ना वर्ष इसने कहा इसने एक नई ही व्यक्ति का नाम बता दिया नए शासक का नाम बता दिया जिसकी जानकारी एन में नहीं है कहा कि वल्लभ राज भारत का सबसे प्रतापी राजा था और अंतिम प्रतापी राजा था कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का नौ में जो वेंंगी के चालुक्य है जिन्हें उत्तर चालुक पूर्वी चालुक्य कहा जाता है उन्होंने राष्ट्रकूट राजधानी मानखेत को आग लगा दी और यहां से इसका जो अंत है वह हो गया ठीक है तो यहां पर कुछ चर्चा हमने सबके बारे में कर ली अब देखिए अब हम धर्म की बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रकूट जो साम्राज्य जो शासक रहे उनके द्वारा किन धर्मों को मान्यता दी गई इसकी हम चर्चा करते हैं दक्कन में राष्ट्रकूट शासन दसवीं सदी के अंत तक लगभग 200 साल कायम रहा इनके विचार सहिष्णु और उदार थे ठीक है इनके जो धार्मिक विचार थे वे कैसे थे कि भले ही कुछ जो शासक थे वे शैव या वैष्णव धर्म को मानते थे लेकिन इन्होंने जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया तो शैव वैष्णव जैन राष्ट्रकूट राजा प्रथम कृष्ण ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर नवी सदी में बनवाया था उसका उत्तराधिकारी था अमोघ वर्ष ठीक है और इसने भी सभी धर्मों को संरक्षण दिया अब देखो इन्होंने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाजत दी और जो इस्लाम का प्रचार है उसकी भी इन्होंने काफी जो छूट है उनको दे रखी थी तो यहाँ पर हमने शैव वैष्णव जैन धर्म ठीक है और इस्लाम का प्रचार इन सभी को देख लिया तो यहाँ से हमें पता चल गया इनकी जो नीति है वह काफी सहिष्णु सहिष्णु भी थी और उदार नीतियां भी थी इनके धर्म को लेकर अब नेक्स्ट देखो अगला है कि राजकोट राजा ने कला और साहित्य के लिए क्या किया तो काफी संस्कृत विद्वान इनके दरबार में रहे ठीक है काफी ऐसे कवि और लेखक रहे जो ना केवल संस्कृत प्राकृत और, और अपभ्रंश में भी लिखते थे ये दोनों भाषाएं अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननिया भी हैं और महान अपभ्रंश जो कवि है स्वयंभू स्वयंभू ठीक है जो स्वयंभू है उनके पुत्र उसके पुत्र राजकूट के दरबार में ही रहते थे देखो शायद भले लगाए लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना यूपीएससी में वो एब्सोल्यूट पूछा जाता है कि राजकूट के दरबार में थे बिल्कुल थे तो यहाँ पर स्वयंभू जो है वे आपको राजकूट साम्राज्य के दरबार में मिलते हैं ठीक है अब लास्ट आपका इसमें बचा हुआ है ठीक है इस चैप्टर का सबसे लास्ट आपका पैराग्राफ है जिसमें कि हम पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट इन तीनों वंशों की प्रशासनिक और राजनीतिक विचार संगठन कैसे थे उसका अध्ययन करते हैं तो सभी के बारे में अब लिखा हुआ है अब नेक्स्ट जो दो तीन स्लाइड है दोस्तों सभी के इंफॉर्मेशन से इसमें ठीक है सबसे पहले देखो इन राज्यों की शासन प्रणाली किन राज्यों की पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट इन राज्यों की शासन प्रणाली गुप्त और हर्ष के जो शासन काल था ना जब हम गुप्त और हर्ष की बात करेंगे उस पर आधारित थी ठीक है पहले की तरह राजा ही सारी प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र था राजा ने बेसिकली सारी जो शक्तियां हैं वह अपने हाथों में रख रखी थी ठीक है राजा ने अपनी जो सारी शक्तियां हैं वह क्या था बच्चों अपने हाथों में राजा के द्वारा केंद्रित रखी गई थी बहुत ज्यादा उसका विकेंद्रीकरण नहीं किया गया था सारे निर्णय जो है वह राजा ही लेता था हालांकि उसके पास बहुत सारे जो अधिकारी है वह थे वह प्रशासन का मुख्य और प्रधान सेनापति था राजा की स्थिति सामान्य वंशानुगत होती थी और उस काल की असुरक्षा को देखते हुए चिंतक लोक राजा के प्रति संपूर्ण निष्ठा और आज्ञा पालन की जो प्रवृत्ति है इस पर जोर देते थे अब देखो यहाँ पर एक लेखक थे मेघा तिथि ठीक है तिथि या फिर मेघा तिथि का आपको नाम मिलता है एक समकालीन लेखक का विचार था कि एक व्यक्ति को शस्त्र धारण करने का अधिकार है क्योंकि उसे चोरों से भी भय है उसे हथियारों से भी अपनी रक्षा करनी है लेकिन अगर हथियार रखेगा हर व्यक्ति तो कहीं ना कहीं फिर राजा सुरक्षा नहीं कर पा रहा तब आप हथियार रख रहे हो तो ये विचार इसके थे वैसे तो सामान्यतः लोगों का कहना था इस समय को लेकर कि राजा जो है हमें राजा की बात माननी चाहिए उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लेखक मिलते जो कि उसके अपवाद थे और इन्होंने कहा कि अगर अन्यायी है राजा राजा अगर न्यायप्रिय नहीं है तो उसके विरुद्ध आपको खड़े होना ज्यादा उचित है अब नेक्स्ट देखो इनके उत्तराधिकार के नियम क्या थे इस बार उत्तराधिकार के कुछ नियम है जो दायभाग मिताक्षर है वहां से प्रश्न आया ना आपका तो देखो इसके उत्तराधिकार के नियम बच्चों ऐसे थे कि बेसिकली कोई बहुत ज्यादा इनका उत्तराधिकार के जो नियम है कोई गाइडलाइन कोई रूल बुक नहीं बनी हुई थी सामान्यतः जो ज्येष्ठ पुत्र था जो बड़ा पुत्र होता था उसको सिंहासन दिया जाता था लेकिन बहुत सारे ऐसे अपवाद भी है कि ज्येष्ठ पुत्र ना होकर जैसे कोई लोकप्रिय कोई लोकप्रिय शासक हो है ना हो सकता है वो राज कोई छोटा हो मतलब उससे छोटा उसका छोटा भाई हो तो यहाँ पर कई ऐसे अपवाद है कि ज्येष्ठ पुत्र के अलावा भी और को शासन जो है वह सौंपा गया अब एक और बात यहाँ पर मिलती है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं ठीक है ठीके? उनको सामान्यतः सरदारियाँ नहीं दी जाती थी लेकिन हम यहाँ पर भी कुछ इसके अपवाद पाते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ शासकों के द्वारा अपनी पुत्रियों के लिए भी सरदारियाँ और जो बाकी चीज़ें हैं पद दिए गए, गए। ठीक है अब राजा से सलाह मशवरा देने के लिए कई मंत्री होते थे आमतौर पर ये जो मंत्री थे वह राजा के अपने ही परिवार के सदस्य हुआ करते थे मोस्टली ठीक है और इनकी स्थिति भी कैसी थी बच्चों वंशानुगत थी इसके अलावा राजस्व विभाग कोषाध्यक्ष सेनापति मुख्य न्यायाधीश पुरोहित भी होता था और एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नियुक्त किया जा सकता था शायद किसी एक को इन्होंने पीएमबी बना रखा था प्रधानमंत्री कि सारी जो कंबाइंड सलाह है वो फिर तुम फाइनली सलाह दोगे तो एक प्रधानमंत्री भी था साम्राज्य के अनुरक्षण और विस्तार के लिए सैन्य बल बहुत महत्वपूर्ण था अरब यात्री पहले ही बता चुके हैं कि इस वक्त में जैसे हम प्रतिहारों की बात करेंगे उनके पास काफी अच्छी अश्व सेना थी ठीक है हाथियों की हाथियों को यहाँ पर शक्तियों का स्तंभ माना जाता था और हाथी बहुत ही ज्यादा साम्राज्य के लिए मूल्यवान हुआ करते थे साम्राज्य के कुछ प्रदेशों के प्रशासन की सीधे से होती थी और कुछ का माथत के हाथ में होता था आंतरिक मामलों के संबंध में माथ सरदार स्वशासी होते थे उन पर राजा के प्रति वफादारी करने की जो पाबंदी है वह लगी होती थी आगे देखो अब हम आते हैं कि पाल और प्रतिहार साम्राज्य के जो जैसे इस बार पूछा भी गया था परगना सूबा है ना इस बार प्रश्न आया था ना कि जो परगना है सूबा है उन सभी को आपको जमाना था बड़े से छोटी इकाइयों में तो यहाँ पर देखो पाल और प्रतिहार साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासित प्रदेश जिन पर वह किसी और की मदद से शासन नहीं कर रहे हैं प्रत्यक्ष शासन कर रहे हैं इन्हें कहा जाता था भुक्ति भुक्ति ठीक है बाकी जो प्रांत थे वो मंडल थे जो विषय थे वो जिले थे ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि प्रश्न आ गया जिला प्रांत ठीक है और प्रत्यक्ष प्रदेश और वहीं पर प्रश्न आपको दे दिया विषय ठीक है विषय आपके जिले हुआ करते थे प्रांत आपके मंडल हुआ करते थे और जो प्रत्यक्ष प्रदेश है ये आपके भुक्ति कहे जाते थे तो इस बार इस तरह का प्रश्न था आपका Uh, उसको लेकर है ना मुग़ल सर uh, विभाजन को लेकर भुक्ति का उपरिक जो शासक देखो जो ये भुक्ति है ना वैसे तो प्रत्यक्ष शासित प्रदेश था लेकिन अगर इसका कोई प्रशासक आप नियुक्त करते थे भुक्ति का बच्चों तो उसे कहा जाता था उपरिक और वही विषय की जब हम बात करेंगे विषय विषय का जो प्रशासक था उसको विषयपति कहा जाता था ऊपरिक से भू राजस्व वसूल करने और अपनी भुक्ति में सेना की सहायता के लिए शांति व्यवस्था रखने की आशा की जाती थी विषयपति से अपने इलाके में यही काम करने की अपेक्षा रखी जाती थी इस काल में छोटे छोटे सरदारों की संख्या में वृद्धि हुई और ये लोग सामंत या भोगपति कहलाते थे अब देखो कि जो छोटी छोटी सरदारियां थी वो थे आपके भोगपति या सामंत तो यहाँ पर देखो राजनीतिक विचार संगठन तो एक तरीका ये हो सकता है बच्चों पढ़ाई करने का कि आपने क्या किया ठीक है जो भी स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं मिडाइवल को और अगर नहीं भी पढ़ा है तो एक बार कोशिश करो आप पहली बार भी कर रहे हैं तब भी आपको कोशिश करनी है ठीक है चलो तो एक होमवर्क यहां पर मैं पहले आपको देती हूं देखते कितने बच्चे कर पाते हैं मेंस के लिए होगा ये एक बार कर लोगे ना बहुत आपको इससे हेल्प मिलेगी चीजों को समझने में तो आपको पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार जहां से प्रश्न आता है पीटी और मेंस दोनों का बता रहे हो ठीक है पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट चोल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत विजयनगर दिल्ली सल्तनत विजयनगर मुगल प्रशासन ठीक है मुगल प्रशासन इन सभी के बारे में कुछ बातों को लिखना है जैसे कि इन सभी के बारे में एक ही नोट्स बनेगा इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ की प्रशासनिक पद्धति प्रशासन प्रशासनिक पद्धति या कि सांस्कृतिक पद्धति प्रशासनिक पद्धति सांस्कृतिक और धर्म ठीक है प्रशासन और आर्थिक ये दो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी जो बच्चे नहीं करना चाहते बाकी उन्हें केवल प्रशासन और आर्थिक करना है तीन चार पेज का आई थिंक नोट्स बनेगा लेकिन उसके लिए आपको पूरी बुक खंगालनी पड़ेगी जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी है ठीक है ताकि आप कंपैरिजन एक सीखे चीज़ों का एक स्क्रीन इसका ले लो या आज का आपका होमवर्क रहा पाल प्रतिहार राजकोट चोल सल्तनत दिल्ली सल्तनत ठीक है विजयनगर और मुगल प्रशासन इन सभी की प्रशासन आर्थिक सांस्कृतिक विकास और धर्म के बारे में ये आपको लिखना है अगर आप कर पाए तो सिर्फ प्रशासन पद्धति कर लीजिएगा आर्थिक पद्धति कर लीजिएगा बाकी जो बच्चे करना चाहे वो सांस्कृतिक विकास और धर्म वैसे तीनों कंपलसरी है ठीक है लेकिन कुछ सुविधा में भी मैंने आपको दे दी कि आप चाहे तो बाकी के जो दो हैं उसे छोड़ दो वो मैं आपको बाद में करा दूंगी है ना करा तो मैं आपसे लूंगी ही बट बाद में चलो बच्चों तो ये था आपका आज का एक स्पेशल होमवर्क अब हम चलते हैं लास्ट आपका बचा हुआ है इसके बाद हम चोल वंश को पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके राजनीतिक विचार और संगठन देखो तो प्रत्यक्ष शासित प्रदेश जो है राष्ट्रकूटों में उन्हें क्या कहा जाता था प्रांत और प्रांत ही आपके राष्ट्र प्रत्येक शासित प्रदेश राष्ट्र थे ठीक है प्रांत आपके विषय थे और भुक्तियों में बटे हुए थे राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता था और उन्हें दायित्वों का निर्वहन किया था जिससे पाल प्रतिहार और ऊपरी जो है वह निभाते थे वही ये राष्ट्रपति काम करता था विषय के नीचे होता था पत्तल या फिर आपको इसमें पट्टल मिलता है ठीक है पट्टल तो जो सबसे नीचे की इकाई है जो कि गांव स्तर पर थी उसको पट्टल कहा जाता था गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई होते थे और और मुखिया को अपने कामकाज में जो मुखिया होता है गांव का उसको अपने कामकाज के लिए बड़े बुजुर्गों की सहायता मिलती थी और जो ये बड़े बुजुर्ग थे इनको ग्राम महाजन भी कहा जाता था क्लियर तो ये था बच्चों आपका अब हम देखते हैं कि ये जो विषय आपको ये जो वर्ड्स वर्ड्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे ऊपर लिखा हुआ है भुक्ति मंडल विषय ऊपर एक भोगपति राष्ट्र पत्तलग्राम महत्तर एंड कोस्टपाल एंड देशग्राम गुट आपको बताना है कि ये जो वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं इसका अर्थ क्या है ये जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं इसका एक एक करके जो वर्थ है अर्थ है वो आप सभी बताइए जल्दी से और जो भी अच्छी बात है सिमरन एक बार कीजिएगा होमवर्क है ना और देखियो जो भी बच्चे होमवर्क कर ले एन सी टी विथ मंजू मैम टेलीग्राम चैनल में शाम को सात बजे ओपन करूंगी मैं ग्रुप और वहां पर आप भेज दीजिएगा उसको बच्चों क्लास में आप डेली रहेंगे वीडियो को शेयर भी करना है लाइक भी करना है मैम होमवर्क मैंने बहुत अच्छे से लिखा है होमवर्क मैंने आदित्य आपका पीडीएफ तो आया नहीं है यस मैम परफेक्ट विजिबल है चलो चलो ठीक है तो तो देखो भुक्ति का मतलब क्या था भुक्ति का मतलब था कि जो प्रतिहार थे प्रतिहारों के द्वारा प्रत्यक्ष शासित प्रदेश प्रतिहारों के द्वारा प्रत्यक्ष शासित प्रदेश और इसे कहा जाता था बच्चों ठीक है भुक्ति मंडल क्या थे आपके प्रांत जो प्रांत है वो मंडल थे विषय जिला मतलब छोटी जिला फिर प्रांत और फिर आपका भुक्ति आया ऊपर एक कौन थे तो जो भुक्ति का शासक था भुक्ति का शासक ये कीवर्ड्स मैं आपको कराती रहूंगी मिडाइवल में इंपॉर्टेंट है मेंस के क्वेश्चन भी रहेंगे ठीक है भोगपति और जहाँ आपके प्रीवियस ईयर ऐड होंगे उन्हें भी ऐड कर लूंगी भुक्ति मतलब कौन थे जो सामंत थे भोगपति या छोटे सरदार थे ठीक है या छोटे सरदार जिनको थे उनको हमने कहा भोगपति राष्ट्र का मतलब यहाँ पर क्या था प्रांत था और ये जो राष्ट्र प्रांत थे वो राष्ट्रकूटों के प्रशासनिक वर्ड थे पत्तलग्राम ठीक है ये पत्तलग्राम कौन हुआ करता था ये सबसे नीचे की इकाई थी गांव स्तर पर सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई थी ये भी याद रखना पत्थर कोई आर्थिक कर था कोई पद्धति थी ये प्रशासनिक इकाई थी जिसे कि गांव कहा जाता था बच्चों गांव पर ठीक है नेक्स्ट है आपका देश ग्रामकूट देश ग्रामकूट का अर्थ होता था वंशानुगत रूप से यहाँ पर राजस्व अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वंशानुगत राजस्व अधिकारी वही देश ग्रामकूट था राजस्व अधिकारी क्लियर है ये सारे वर्ड आपको भुक्ति मंडल विषय ऊपर एक भोगपति राष्ट्र पत्तलग्राम महत्तर और देश ग्रामकूट एक स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर सेट करो जल्दी से अब आपका लास्ट बचता है चोला साम्राज्य ठीक है तो चोल साम्राज्य मैं पूरा आपको फ्लो चार्ट में कराने वाली हूँ चोल साम्राज्य को पूरा हम फ्लो चार्ट में समझेंगे बाकी इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं शाम की क्लास में ऐड करूँगी आज शाम को आठ बजे भी क्लास है जब का जब तक आपका मिडाइवल के ट्वेंटी पूरे चैप्टर्स कवर नहीं होते तब तक हम आठ बजे भी क्लास करेंगे ग्यारह बजे भी क्लास करेंगे ठीक है हाँ बिल्कुल सही डिम्पल ऊपर एक भुक्ति का ही शासक कहा जाता था क्लियर है इतना आप सभी को तो शुरू करें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर ठीक है चलिए अच्छा नेक्स्ट चैप्टर के पहले मेंस के क्वेश्चन देख लो जरा मेंस के क्वेश्चंस राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहारों की शासन प्रणालियों की तुलना कीजिए या स्पष्ट कीजिए कि की गांव के मुखिया का कार्य कठिन क्यों था तो बीच में एक घंटे का समय निकालो पहले अच्छे से रीडिंग करोगे और रीडिंग करने के बाद अच्छा कुछ बच्चों ने क्या किया था कि जो मैंने नोट्स बनाए थे आपने वो नोट्स ही बस बना दिए अरे सिर्फ नोट्स थोड़ी बनाने हैं आपको उसमें ये भी लिखना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है उसके अनुसार थोड़ी सी भूमिका चेंज करो थोड़ा सा जो क्वेश्चन का मैटर है उसको चेंज करो है ना थोड़ा सा चेंज लेकर आओ भाई तो देखो यहाँ पर आपको पहले रीडिंग करना है समझना भी तो है कि पूछा क्या है और केवल नोट्स मत उतार देना कि चलो भाई नोट्स बनवा दिए तो आपने वही के वही के नोट्स नहीं उतारने हैं आपको प्रॉपर प्रॉपर आंसर आंसर लिखना है। आंसर लिखना है 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 ठीक राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहारों की शासन प्रणालियों की तुलना कीजिए यह स्पष्ट कीजिए कि की गांव के मुखिया का कार्य कठिन क्यों था अब ये गांव के मुखिया का कार्य बता पाओ ना बता पाओकी आप शासन प्रणाली की तुलना आपको अवश्य करनी है शासन प्रशासन आर्थिक प्रणाली बहुत इंपोर्ट होते हैं धर्म और संस्कृति एक साथ आपके आ जाते हैं आठवीं से द, देखते हैं कौन सा ऐसा स्टूडेंट है आज की क्लास में जो कि मेन्स के सभी क्वेश्चन भी लिखेगा और जो स्टार्टिंग में भी मैंने क्वेश्चन दिए थे कल की क्लास के वो भी आपको लिखना है और उसी के साथ साथ आज का जो आपका आ, मैंने दिया है है। वो भी आपको कवर करना है. से सदी तक के काल के दौरान भारत में राज्य और धर्म के बीच में संबंध इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आते हैं किसी बच्चे ने लिखा था कि क्या मिडाइवल से क्वेश्चन आते हैं यस yes, डेफिनेटली और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपसे एक पूरे चार समय का 400 वर्षों का समय पूछ लिया कि इस समय का जो काल है ये जो काल है आपका 8 से 10 का और उसके बीच में धर्म के बीच में और राज्य के बीच में संबंध किस तरीके के थे पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारतीय राज्यों में राजाओं के आ, का स्थान का वर्णन बताइए पूर्व मध्यकाल में मतलब मध्यकाल की शुरुआत ही तो है जिसमें हम ये सब पढ़ रहे हैं तो इसमें उत्तर भारतीय राज्यों में राजा के राजा का स्थान क्या था अब बताइए कि राजा का स्थान यहाँ पर किस तरह से सर्वोपरि था कैसे वह सारी चीज़ों को केंद्र केंद्रित करके रखता था पावर्स को सेंट्रलाइज अपने हाथ में रखता था तो ये सारी बातें हो गई क्लियर है आई होप चलो इसका भी एक स्क्रीन लो जल्दी से आई होप कि आप सभी इसका आंसर लिखेंगे एक बार पढ़ो और हाँ एक बात और मैं आपको बता देती हूँ आंसर लिखने के पहले अब आप ठीक है मेंस का आंसर कैसे लिखना है आपको तो यहाँ पे आपको बता देती हूँ बच्चों कि आपको शुरुआत में जैसे कि आपकी भूमिका रहती है दो से तीन लाइन क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका कंपाइल करो कि अगर पूछा है कि भारत और यूरोप का सामंतवाद तो शुरुआत में सामंत वर्ड को थोड़ा सा बताते हुए एक दो लाइन आपकी भूमिका हो गई ठीक है भूमिका के बाद आपका जो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है कि आखिर पूछा क्या गया है उसका विस्तार क्या ठीक है पूछा क्या गया है पूछा क्या गया है वो बताना लास्ट में आपको इसमें एक थोड़ा सा निष्कर्ष एक दो लाइन का देना होता है ठीक है अब देखो यहाँ पर कुछ और बातें कि आपको आंसर्स लिखना कैसे है तो टू द पॉइंट बहुत ज़्यादा बहकना नहीं है टू द पॉइंट आपको बात करनी है क्यों क्योंकि आपके पास वर्ड जो है वह लिमिट होते हैं क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट होती है कि आप मान लीजिए आपको 200 शब्द लिखने हैं तो कितना फैलोगे भाई भूमिका ही लिखोगे क्या 100 शब्दों की तो वर्ड लिमिट आपको याद रखनी है यहाँ पर ज्यादा लिख दोगे अगले क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे ठीक है अच्छा मैंने आप सभी को टेलीग्राम चैनल में जो इस बार के टॉपर रहे हैं सौरभ कुमार उनका जो एक और टेस्ट जो उनकी कॉपी है वो शेयर की है एक बार उसको देखना वैसे गूगल पर भी इजीली अवेलेबल है जो भी टॉपर्स है वो किस तरह से लिखते हैं तो एक बार देखो कि किस तरह से 20 के 20 आंसर्स जो है पूरे पूरे तरीके से सेम क्वालिटी के साथ कवर करना वो चीज़ें बच्चों प्रैक्टिस से डेवलप होती है ठीक है तो उसके लिए आपको मैं बहुत सारा मैटर अब डेली दूंगी तो देखो टू द पॉइंट आपको लिखना है दूसरी बात है कम्प्लीट आंसर लिखना है अब एक कंप्लीट क्यों कह रही हूँ कंप्लीट आंसर कि अगर एक आंसर में ठीक है फॉर एग्जाम्पल तीन बातें पूछी गई हैं ठीक है तीन बातें पूछी गई हैं तो आपको तीनों बातों का जवाब देना है अगर आपसे नाम पूछा है काम पूछा है आपकी जगह पूछी है तो तीनों चीजें बतानी है ये नहीं कि बस नाम बता दिया तो अगर बच्चों आपसे तीन बातें पूछी गई है तो आपको आर्थिक भी बताना है सामाजिक मान लीजिए आपसे आर्थिक भी पूछा आपसे धार्मिक भी पूछा आपसे प्रश्न में सामाजिक सांस्कृतिक भी पूछा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन तीनों की जो चर्चा है ठीक है इन तीनों की जो चर्चा है वह करनी है तो ये होता है आपका एक पूरा कंप्लीट आंसर ठीक है कंप्लीट आंसर अब कल जो मोस्टली बच्चों ने गलती की वह क्या था आपने हाफ आंसर लिखा था आपने आधा आंसर लिखा कि यूरोप में सामंतवाद क्या था आपने आधा तो पोर्शन वही छोड़ दिया अब आपको अगर एग्जामिनर नंबर देगा ना तो वो बारह में से आपके छो तो पहले ही हो गए ठीक है अब आपको वो छह में से देगा चाहे आप दो दे दे या तीन दे दे कि चलो आपने सामंतवाद बता दिया नहीं मन हुआ तो एक नंबर भी मिल सकता है तो क्या मतलब है ऐसा लिखने का तो कंप्लीट आंसर होना चाहिए हमेशा कोशिश करो कि उसके आसपास लिख सको जरूरी नहीं है कि डेफिनेटली एकदम एक ही जो पूछा है बिल्कुल वही आसपास तो आओ कम से कम भारत की चर्चा तो करो अगर ये पूछा है कल कुछ बच्चों ने पर्सनली भी काफ़ी सारे आंसर्स भेजे तो उनके भी आंसर्स में मेन जो प्रॉब्लम थी और इसलिए मैंने बताया कि शायद आ, किसी स्टूडेंट जो Uh, कोई गर्ल है उसका आंसर सबसे अच्छा था मैं नाम भूल गई जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बच्चों तो उस बच्ची ने बहुत अच्छे से आंसर अच्छा लिखा है भारत का मध्यकाल उसकी भी चर्चा की तो एक कंप्लीट आंसर होना चाहिए तभी आपको ये है कि 50 60 परसेंट जो मार्क्स है वह यूपीएससी आपको देता है तो कंप्लीट आंसर टू द पॉइंट ठीक है और यहाँ पर देखो आपको पैराग्राफ में लिखना है या फिर या तो पैराग्राफ में लिखना है या तो पॉइंट्स में लिखना है ठीक है लेकिन पैराग्राफ भी ऐसे नहीं कि यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ ये वाली राइटिंग नहीं करनी है ये वाली राइटिंग नहीं करनी है ठीक है आपको कैसी राइटिंग करनी है इस तरीके की ताकि ता आप पैराग्राफ्स बनाए कुछ आपने यहां पर बुलेट्स डाल दिए तो ये तरीका आपको अपनाना है राइटिंग का ये तरीका आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाने कि ए फोर पेज है तो कसम खा के रखिए कि यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर हम आखिरी अपना शब्द लिखेंगे ये बिल्कुल गलत है ठीक है ये गलत है तो यहाँ से आपको पैराग्राफ बनाने हैं कुछ पॉइंट्स में आंसर देने हैं और आपको फ्लो चार्ट भी ऐड करने हैं जैसे कि प्रद्युम्न ने बता बनाया था देखो मेन चीज ये है बच्चों फ्लो चार्ट एक तो आपका कीवर्ड्स पकड़ता है और आपका टाइम जो है वह बच जाता है ठीक है तो ये आपका मेंस आंसर राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए क्लियर चलो अब चोल काल हम शाम को पढ़ लेंगे है ना आठ बजे के क्लास में चोल काल और बाकी का जो आपका चैप्टर नंबर थ्री और फोर है वो एक साथ हम पढ़ेंगे रात की क्लास लंबी करते हैं अभी की क्लास में यहीं छोड़ देती हूँ डेढ़ घंटे की क्लास आपकी ऑलरेडी हो चुकी है तो आज शाम को हम पढ़ेंगे आठ बजे यहाँ पर समय जो है वह लिख देती हूँ बच्चों 8 पी एम टुडे हम मिलेंगे और इसके पहले सात बजे आंसर चेक करा देना ठीक है सेवन पी एम टेलीग्राम चैनल खोलूँगी और यहाँ पर आपको अपना होमवर्क एन सी आर टी विथ मंजू मैम में, में चेक कराना है मैं आप सभी की कॉपियाँ यहाँ पर देख लूँगी बच्चों देखते हैं आज का फिर अगर बहुत अच्छा आज तो मुझे समय नहीं मिल पाया वरना प्रेरणा की कॉपी दिखाती शाम को दिखाऊंगी ठीक है हाँ प्रेरणा ही नाम है आई थिंक तो शाम को मैं दिखाती हूँ कि उस स्टूडेंट ने कितना बढ़िया आंसर लिखा है खूबसूरती के साथ अब देखते हैं कि आप पूरा दिन भर अपना पढ़ाई करो और देखो एक तरीका ये हो सकता है बच्चों कि अभी तक मैंने आपको यहाँ पर दो हमारे चैप्टर हो चुके भारत और बाहरी दुनिया उत्तर भारत तीनों साम्राज्य का काल तो एक से लेके बाईस तक हमारे पेजेस कवर हो चुके हैं तो आज पूरे दिन भर बैठो इसको अच्छे से रीडिंग करो ठीक है डाइजेस्ट करो इन पेजेस को कि क्या लिखा हुआ है नोट्स बनाओ प्रॉपर उनका रिवीजन करो जो होमवर्क दिया है उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसको याद करो बैठ के ठीक है तो एक कंप्लीट स्टडी करो कंप्लीट स्टडी अधूरा मत छोड़ो चीज़ों को चलो तो अब हम शाम को आठ बजे पढ़ेंगे चोल साम्राज्य नौ से बारहवीं सदी तक कैसा था इसका उदय कैसे हुआ राजराज राज और राजेंद्र प्रथम का शासनकाल कैसे आया चोल प्रशासन का प्रशासन कैसा था इनका और सांस्कृतिक जीवन कैसा था तो किसी भी प्रशासन में कुछ बातें महत्वपूर्ण होती है जैसे कि उसका प्रशासन उसका सांस्कृतिक जीवन ठीक है तो आज देखो होमवर्क मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक आपको बहुत सारा दे दिया देखते हैं एक तो आपका ये मेंस के क्वेश्चंस आपको लिखने हैं ठीक है क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं तरीका आपके पास है और वहीं पर आपको होमवर्क ये दिया गया है कि पाल प्रतिहार राजकोट चोल दिल्ली विजयनगर मुगल इन सब का प्रशासन पद्धति आर्थिक सांस्कृतिक धार्मिक ये तीनों लिखो ये भी आपके चेक करूंगी मैं ठीक है चाहो तो कल भेज देना ये लेकिन आपको करना है बच्चों ठीक है करना है आपको ध्यान रखिएगा इस बात को जितना सीरियस होकर थोड़ा सा मेहनत करना सीखो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना सीखो छोटी मोटी नौकरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं और वही कल का भी मैंने आपको बताया के कल के भी जो क्वेश्चन मैंने दे रखे इनको भी आप कवर करेंगे क्लियर है लेकर बारहवीं यानी ये जो चार समय का चार वर्ष का इतिहास रहा इसके बीच में आर्थिक सामाजिक जीवन जो है वह कैसे बदलते गए क्लियर है तो इन, इनकी चर्चा हम रात में करते हैं ठीक है चलिए बच्चों सो यू थैंक यू वेरी मच आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी एंड अब हम मिलेंगे शाम को आठ बजे तो जो भी फ्रेंड्स चाहते हैं टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट अन एकेडमी के किसी भी तरह के प्लान पर सो यूज़ माई कोड मंजू वन ज़ीरो वन मंजू वन ज़ीरो वन और सब्सक्रिप्शन की किसी भी डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं चलिए सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच मिलते हैं हम शाम को आठ बजे बाकी आप सभी अपना बहुमूल्य फीडबैक ज़रूर दें जब क्लास आपका ऑफ हो जाता है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी और उसी के साथ साथ जो नए बच्चे हैं वह सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं है, वह मिलते जाए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों आपका कॉम्बेट का भी जो संडे को ग्यारह बजे टेस्ट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर फ्री है तो वन वन कोड आपको वहाँ पर भी यूज़ करना है ठीक है बाकी टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप ऐड हो सकते हैं सभी इन्फॉर्मेशन के लिए अपकमिंग क्लासेस की हाँ हाँ बिल्कुल अनुज कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले भेजेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच आठ बजे शाम को नेक्स्ट टू चैप्टर्स हम कवर करेंगे